हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू संजीवनी सीरीज बच्चा लोग टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर सेवन दैट इज चार्जेस अभी फ्रेंड्स आपको पता है चार्ज क्या होता है जब भी कंपनी पैसा बोरो करती है पब्लिक से बैंक से किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो बच्चा लोग लोग क्या कहेंगे भाई कंपनी आपने पैसे तो ले लिए लेकिन गारंटी क्या है हमको हमारे पैसे वापस मिलेंगे टाइम से इसकी गारंटी क्या है इसीलिए कंपनी क्या करके देता है उनको कंपनी उन्हें सिक्योरिटी क्रिएट करके देता है फॉर सच लोन यस कंपनी अपने प्रॉपर्टी को गिरवी रखता है वो जो राइट क्रिएट करके देता है उसी को तो हम चार्ज कहते हैं राइट चार्ज का बचा लोग यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया है सेक्शन टू क्लॉज नंबर सिक्सटीन ऑफ कंपनी थर्टीन में क्या होता है चार्ज तो बचा लोग चार्ज मीन इंटरेस्ट और लियन

तो बहुत ही सिंपल जवाब है चार्ज कैन बी क्रिएटेड ऑन एनी प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया जा सकता है ठीक है अच्छा ये मूवे इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब आप सबको पता है प्लॉट घर बिल्डिंग राइट अच्छा तो अगर कंपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करेगा तो दो सिचुएशन पॉसिबल है कि कंपनी ने लोन लिया एंड कंपनी अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है गिरवी रख रहा है ना तो उस केस में हो सकता है कंपनी पोजेशन जो है प्रॉपर्टी का वो ट्रांसफर कर दे मनी लेंडर को या फिर पोजेशन जो है कब्जा कस्टडी ट्रांसफर ना करे मनी लेंडर को ये दोनों ही चीज पॉसिबल है राइट ये दोनों चीज में अपन दोनों को पता है क्या कहते हैं हम दोनों को मॉर्गेज कहते हैं याद रखना इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर गिरवी रखा है तो इट मीनस मॉर्गेज एंड दोनों ही केसेस में दोनों को ही हम चार्ज बोलते हैं एंड इफ़ वी टॉक अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टी तो अगेन जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने अपने फर्नीचर पर चार्ज क्रिएट कर लिया तो मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है राइट right? उस केस में उसके बाद यहाँ पर क्या बोले देखो अगर कंपनी ने मूवेबल प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट किया है तो उसमें भी हो सकता है कंपनी ने पोजेशन जो है राइट right? वो क्या किया हो ट्रांसफ़र किया हो मनी लैंडर को या फिर पोजेशन जो है वो ट्रांसफर ना किया हो मनी लेंडर को आपको पता है अगर कंपनी ने मूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया है एंड पोजेशन इज गिवन टू द मनी लेंडर जैसे कैसे हम गोल्ड गिरवी रखते हैं कहीं पे जाके तो गोल्ड इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड हम क्या करते हैं गोल्ड वहां पर रखकर आते हैं गिरवी रखकर आते हैं बैंक के पास राइट तो उसे हम कहते हैं प्लेज उसे हम मॉर्गेज नहीं कहते जब भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो एंड द पोजेशन इज ट्रांसफर टू द मनी लेंडर इट इज कॉल्ड एज प्लेज एंड अगर बात है मूवेबल प्रॉपर्टी की एंड द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट गिवन टू द वाली तो इट इज कॉल्ड एज हाइपोथिकेशन हावेवर आपको पता है चार्ज ये सबको कवर करता है बिकॉज चार्ज मीन्स एनी टाइप ऑफ राइट और इंटरेस्ट क्रिएट करना ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड ठीक है यस yes. तो बचा लो याद रखना चार्ज जो है वो कोई भी प्रॉपर्टी पे क्रिएट हो सकता है इट इंक्लूड्स मॉर्गेज प्लेज हाइपोथिकेशन एवरीथिंग चार्ज कैन बी क्रिएटेड ऑन एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल इंटेलेक्चुअल tangible, intangible, कोई भी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट हो सकता है चार्ज कैन also be क्रिएटेड ऑन प्रेजेंट प्रॉपर्टी एज वेल एज फ्यूचर प्रॉपर्टी मतलब अभी जो कंपनी के प्रॉपर्टीज है उस पर भी चार्ज क्रिएट हो सकता है कंपनी जो फ्यूचर में प्रॉपर्टी खरीदने वाला है उस पर भी चार्ज क्रिएट हो सकता है ठीक है तो बच्चे लोग आपने देखा ये स्टोरी बेसिकली क्या है कंपनी ने लोन लिया है एंड कंपनी ने अपने प्रॉपर्टी को गिरवी रखा है तो इसके अंदर वॉट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ चार्ज क्या एलिमेंट्स क्या है तो बच्चा लोग सबसे पहले आप देखते हो ये स्टोरी को तो कैसा होता है कंपनी है करेक्ट एंड दूसरा कौन है पब्लिक है जिसने पैसा कंपनी को दिया हुआ है करेक्ट लोन के फॉर्म में तो ये लोग क्या कहते हैं पब्लिक लोग बच्चा लोग ये लोग क्या कहते हैं गारंटी क्या है हमारा पैसे वापस मिलेगा उसका गारंटी क्या है तो कंपनी ने क्या कर दिया अपने प्रॉपर्टी को यहाँ पे गिरवी रख दिया मतलब कंपनी ने अपने प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट कर दिया मतलब राइट क्रिएट करके दे दिया है कि नहीं तो ये जो चार्ज क्रिएट किया है कंपनी ने अपने प्रॉपर्टी पर इन द फेवर ऑफ मनी लैंडर दैट इज़ इन द फेवर ऑफ़ पब्लिक तो आप देख रहे हो ये पूरे स्टोरी में दो चीज़ें हैं मतलब अगर कंपनी ने अब डिफॉल्ट किया तो पब्लिक क्या करेगा पब्लिक ये वाले प्रॉपर्टी पर अपना राइट right एक्सरसाइज कर देगा ठीक है एंड आप देख रहे हो यहां पे दो तरह के पार्टीज है एक तो है कंपनी जिसने राइट right क्रिएट किया एंड दूसरा है पब्लिक जिसपे राइट क्रिएट हुआ है मतलब जो राइट right होल्डर है राइट right? तो वन इज द चार्ज क्रिएटर एंड दूसरा है चार्ज होल्डर ये दो तरह के लोग आप यहां पे देख रहे हो चार्ज क्रिएटर एंड चार्ज होल्डर करेक्ट तो बच्चा लोग एसेंशियल एलिमेंट्स ये है कि देर आर टू पार्टीज राइट वन इज द चार्ज क्रिएटर एंड अदर इज द चार्ज होल्डर वेरी सिंपल आगे द सब्जेक्ट मैटर ऑन चार्ज मे बी ऑन प्रेजेंट और फ्यूचर असेट्स ऑफ द कंपनी मतलब चार्ज कैन बी क्रिएटेड ऑन द प्रेजेंट प्रॉपर्टी ऑल्सो एज यू अर्लियर एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी ऑल्सो एंड लास्टली वॉट इज द इंटेंशन ऑफ द कंपनी बच्चा लोग द इंटेंशन ऑफ द बोरोवर इज टू ऑफर वन और मोर ऑफ इट्स प्रॉपर्टी असेट्स एज अ सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन विथ इंटरेस्ट एज एग्रीड बिटवीन द पार्टीज मतलब इंटेंशन क्या होना चाहिए बोरोवर का कि वो अपनी एक प्रॉपर्टी को गिरवी रखे लोन रीपेमेंट के लिए एज अ सिक्योरिटी तो ये तीन असेंशियल एलिमेंट्स है बच्चा लोग चार्ज के लिए राइट आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी वेरी सिंपल थिंग एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ चार्ज

ये सारे क्या है रजिस्ट्रेबल मतलब, चीजों पर क्रिएट हो सकता है चार्ज क्रिएट हो सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट हो सकता है बुक डेट्स ऑफ द कंपनी पे चार्ज क्रिएट हो सकता है आप समझ रहे हो तो वैसे ही ये सारे जो है मूवेबल प्रॉपर्टी एंड ऑल राइट ये सब पर इनटेंजल असेट्स ये सब पर चार्ज कैन बी क्रिएटेड तो रजिस्ट्रेबल चार्जेस का ये लिस्ट है फिर आता है बच्चा लोग टाइप्स ऑफ चार्जेस तो मेनली देर आर टू टाइप्स जो आपको रिवाइज करने ही चाहिए दैट इज फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज ये क्या होता है सर तो जिन्होंने ये सब चीजें नहीं पढ़ी है वो अभी सिंपल भाषा में समझ सकते हैं लाइक कंपनी है एंड like पब्लिक है पब्लिक क्या करने वाली है कंपनी को पैसा देने वाली है तो ये जो पब्लिक ने लोन दी है पब्लिक क्या बोल रही थी गारंटी क्या है

कंपनी उसको यूज तो कर सकता है लेकिन कंपनी उसको बेच नहीं सकता है राइट वेरी सिंपल तो ये तो फिक्स चार्ज था अच्छा फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है तो बच्चा लोग सिमिलरली आप देखते हो यहाँ पे कंपनी है यहाँ पे लेट्स से पब्लिक है दैट इज पैसा देने वाले तो अगर पब्लिक ने पैसा दिया है कंपनी को लोन दिया है राइट right? तो ये लोग बोलते गारंटी क्या है गारंटी क्या है इस बार कंपनी ने क्या कर दिया कंपनी दिस टाइम क्रिएटेड द चार्ज कंपनी टाइम क्रिएटेड चार्ज ऑन द फर्नीचर ऑफ कंपनी क्या बोला ऑन द फर्नीचर ऑफ कंपनी मतलब कंपनी ने अपने फर्नीचर पे चार्ज क्रिएट कर दिया बच्चा लोग क्या कंपनी ने कोई पर्टिकुलर चेयर बोला नहीं सारा फर्नीचर बोल दिया मतलब जितना भी फर्नीचर है कंपनी में उस सब पे चार्ज क्रिएटेड उन सब पे इनका राइट है करेक्ट तो आप देख रहे हो यहाँ पर है ना कंपनी के पास भैया बहुत सारे चेयर्स है ये वाली चेयर भी है ये वाली चेयर भी है ये वाली चेयर भी है ये वाला वर्किंग डेस्क भी है ये वाला सोफा सेट भी है ये भी है ये भी है ये सारा क्या है कंपनी का फर्नीचर पीस है तो आप पर आप आपका जो राइट है वो किस पर है आपका राइट इन सब पर है बिकॉज यहाँ पे राइट इज नॉट क्रिएट ऑन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी यस राइट इज नॉट ऑन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इट इज ऑन द ब्लॉक ऑफ प्रॉपर्टी मतलब पूरे कैटेगरी पर यहाँ पे राइट क्रिएट कर दिया है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे नहीं है पूरे कैटेगरी पर चार्ज क्रिएट किया है राइट तो इसको अपन क्या बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज बोलते हैं क्योंकि आपका राइट किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे तो नहीं है ठीक है अब समझो मैंने अगर सोचा होगा कि भाई देखो मेरा राइट तो पूरे फर्नीचर पे है लेकिन अगर कंपनी डिफॉल्ट करेगा ना तो मैं ये वाली जो चेयर है मैं ये वाली चेयर घर ले जाऊंगा मैंने ऐसे अगर सोच के रखा है तो आपको पता है फ्लोटिंग चार्ज में क्या लगता है क्या कंपनी यह सारा फर्नीचर यूज कर सकता है यस लेकिन क्या कंपनी ये सारा फर्नीचर बेच सकता है तो भी आंसर इस यस। मतलब मैंने सोच के रखा था ये वाली चेयर जो है वो घर ले जाऊंगा ठीक है लेकिन कंपनी ने क्या कर दिया बच्चा लोग कंपनी ने इसी चेयर को बेच दिया

ये कोई भी फर्नीचर पीस को बेच के आप अपना पैसा रिकवर करवा पाएंगे राइट दैट इज योर फ्लोटिंग चार्ज दूसरी बात बच्चा लोग अगर आपका राइट है कंपनी के फर्नीचर पे ठीक है तो कंपनी के अभी इतने फर्नीचर तो है सपोज अगर कंपनी ने कल क्या किया दो नए सोफा सेट भी खरीदे न्यू फर्नीचर फ्यूचर में तो क्या ये भी फर्नीचर है हाँ तो जब आपने लोन दिया था तभी तो ये फर्नीचर पीस नहीं थे ना ये तो अब न्यू फर्नीचर हो गए करेक्ट तो चलो क्या अब कंपनी इस पे भी राइट right एक्सरसाइज करवा पाएगा मतलब क्या पब्लिक इस फर्नीचर को भी अपना राइट right एक्सरसाइज करके पैसा वसूल पाएगा तो आंसर इज यस तो इसी को तो हम कहते हैं कि चार्ज कैन बी क्रिएटेड ऑन प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी तो प्रेजेंट मतलब ये सारे जो प्रेजेंट थे वो और ये हो गए फ्यूचर बात समझ में आ गया चलो डन तो ये तो हो गया आपका पॉइंट उसके बाद फ्रेंड्स एज आई टोल्ड यू ये दो जो है वो मेन टाइप है But there are three types also जिसको आप एक बार read कर सकते हैं। However, yes, crystallization of charge। What is next topic? Crystallization of charge। ये क्या होता है? तो as you know, crystallization of charge का मतलब होता है process of converting floating charge into fixed charge। मतलब ये एक ऐसा process होता है जहाँ पर आप अपना right float करना बंद करते हैं और किसी एक property पर अपना right exercise कर देते हैं। इसको अपन कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज राइट वेर यू स्टॉप फ्लोटिंग एंड यू एक्सरसाइज योर राइट ऑन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ठीक है अच्छा कब कब आपका राइट right क्रिस्टलाइज हो जाता है चार्ज शाल बी ऑटोमेटिकली क्रिस्टलाइज कब आप फ्लोट करना बंद करेंगे और आप अपना राइट right किसी एक प्रॉपर्टी पर एक्सरसाइज करेंगे कब ऐसा होगा तो बच्चा लोग ऑब्वियसली जब कंपनी गोज इन टू लिक्विडेशन जब कंपनी बंद होने जा रही है तो यू विल स्टॉप फ्लोटिंग एंड यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग राइट ऑन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दूसरा वेन कंपनी सीज टू कैरी आउट इट्स बिजनेस एक्टिविटी जब कंपनी अपना धंधे का एक्टिविटी क्या करे डिसकंटिन्यू कर दे तभी भी हमें टेंशन होगा वी विल स्टॉप फ्लोटिंग एंड एक्साइज द राइट ऑन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वेन कंपनी मेक्स डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ लोन ऑब्वियसली वी विल स्टॉप फ्लोटिंग एंड एक्साइज अर राइट ऑन अ पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी देन ऑन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट विच इज स्पेसिफाइड इन द डीड जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जब हमने लोन दिया था कंपनी को तो हमने जो लोन का वहाँ पे डीड बनाया था अग्रीमेंट बनाया था उसमें अपन ने क्लियरली लिखा था कि अगर कंपनी का टर्न ओवर इतने इतने रुपए से इतना हो गया जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी का टर्न ओवर सौ करोड़ से नीचे गया तो हम क्या करेंगे तो हम बचा लोग वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज अवर राइट हम क्या करेंगे उस केस में हम हमारे राइट को एक्सरसाइज करेंगे मतलब वी विल स्टॉप फ्लोटिंग एंड वी विल वी वॉन्ट अवर मनी बैक ये एक सर्कमस्टांसिस हो सकता है दूसरा अगर रतन टाटा जी टाटा ग्रुप छोड़ देंगे तो हम हमारा राइट right एक्सरसाइज करेंगे हमको हमारा पैसा वापस चाहिए तो जो भी लिखा होगा डीड में हैपनिंग ऑफ इवेंट अगर वो इवेंट हुआ तो आपका फ्लोटिंग चार्ज क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्रिस्टलाइज हो जाएगा ठीक है एंड आपका जो चार्ज है वो फिक्स हो जाएगा सो दैट इज द पॉइंट एंड वट इज द इफेक्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो अगेन सेम एज आई टोल्ड यू फ्लोटिंग चार्ज गेट्स कन्वर्टेड इन टू चार्ज होल्डर को प्रायरिटी मिल जाती है जो दूसरे अनसिक्योर्ड होते हैं ना क्रेडिटर्स उसके पहले यू गेट द राइट लेकिन एक बात याद रखना अगर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होंगे तो दे गेट द फर्स्ट राइट ठीक है फिर आता है सेक्शन सेवेंटी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज आई होप यू ऑल नो कंपनी क्या करता है जब पब्लिक ने कंपनी को लोन ग्रांट किया जब पब्लिक ने कंपनी को लोन दिया तो पब्लिक क्या बोल रहा था गारंटी क्या है क्या है गारंटी हमको हमारा पैसा वापस मिलेगा उसका गारंटी क्या है गारंटी क्या है तो कंपनी ने क्या कर दिया कंपनी ने यह प्रॉपर्टी पर अपना राइट right एक्सरसाइज कर दिया कंपनी ने चार्ज क्रिएट करके दे दिया राइट right? लेकिन बच्चा लोग सिर्फ चार्ज क्रिएट करना इज नॉट इनफ चार्ज क्रिएशन के बाद हमें चार्ज को रजिस्टर भी करना पड़ता है बिकॉज पब्लिक क्या मांगती है पब्लिक मांगती है प्रूफ पब्लिक बोलती है हमारे पास तो ऐसा कोई भी ऑफिशियल रिटन डॉक्यूमेंट है ही नहीं जो हम हम कोर्ट में जा रख सके जहाँ पे हम कोर्ट में रख के फाइट कर सके है कि नहीं तो हमें कुछ प्रूफ चाहिए इसीलिए आया टॉपिक सेक्शन नंबर सेवेंटी सेवन दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज मतलब कंपनी को क्या करना पड़ता है बच्चा लोग कंपनी को आर के पास जाकर इस चार्ज क्रिएशन का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है यस तो अप्लाई कौन करेगा तो कंपनी ही अप्लाई करेगा इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ कंपनी टू रजिस्टर द चार्ज यस चार्ज को रजिस्टर करवाने का तो बच्चा लोग चार्ज कैन बी रजिस्टर्ड जो चार्ज क्रिएट हुआ है कंपनी के प्रॉपर्टी पर टेंजेबल इनटेंजेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया आउटसाइड इंडिया कोई भी हो आपको बच्चा लोग क्या करना है थर्टी डेज के अंदर अंदर उसे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है ठीक है अप्लाई आप कहाँ पे करोगे ऑब्वियसली आर के पास करोगे कौन से फॉर्म में अप्लाई करोगे आर के पास सो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज शैल बी मेड इन फॉर्म नंबर सी एच जी वन दैट इज चार्ज का फॉर्म नंबर वन ठीक है अच्छा क्या ये लोन का मैटर डिबेंचर्स के, के केस में भी हो सकता है लाइक फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने पैसा बोरो किया एंड कंपनी ने डिबेंचर इशू किया तो डिबेंचर्स जो है वो भी तो सिक्योर्ड वाले होते हैं है कि नहीं तो अगर सिक्योर्ड डिबेंचर्स है मतलब डिबेंचर्स के केस में कंपनी ने अगर पैसा बोरो किया है तो बच्चा लोग उस केस में भी तो ये लोग बोलेंगे भाई गारंटी क्या है हमको सिक्योरिटी चाहिए सिक्योरिटी चाहिए चार्ज क्रिएट करो चार्ज रजिस्टर करो तो सिक्योर्ड के डिबेंचर्स के केस में अगर कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया है तो उस चार्ज का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा बाय मेकिंग एप्लीकेशन टू आर ओ सी इन फॉर्म सी एच जी नाइन विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन बच्चा लोग यहाँ पे क्या आता है सी एच डी वन आता है जनरली लेकिन इन केस ऑफ डिबेंचर यू मेक द एप्लीकेशन टू आर ओसी विद इन नाइनटी डेज इन फॉर्म सी एच डी नाइन आई रिपीट रजिस्टर करने के लिए चार्ज को एप्लीकेशन किस में दोगे सी एच डी वन में देंगे एंड डिबेंचर्स के केस में सी एच डी नाइन में देंगे करेक्ट आगे आगे बोला है बच्चा लोग अगर समझो हम थर्टी डेज के अंदर रजिस्टर नहीं करते हैं तो क्या हमें एडिशनल टाइम मिल सकता है तो आंसर इज़ यस आपको एडिशनल टाइम मिल सकता है लेकिन बच्चा लोग आपको पता है इसका है ना एक अमेंडमेंट uh, था जिसका इफेक्टिव डेट था अमेंडमेंट वाज़ दैट वाज़ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, लेकिन ये इन्फोर्स हो चुका था फ्रॉम सेकेंड नवंबर 2018 ये कब से इन्फोर्स हो चुका था सेकेंड नवंबर एटीन तो बच्चा लोग इस दिन से अमेंडमेंट इफेक्टिव हो गया तो वॉट इफ द चार्ज दॉ क्रिएटेड बिफोर अमेंडमेंट डेट तो कितना आपको एडिशनल टाइम मिलता है इफ द चार्ज क्रिएटेड आफ्टर अमेंडमेंट डेट तो आपको कितना टाइम मिलता है देखो बेसिक थर्टी डेज के अंदर आपको रजिस्टर करना है वो बात तो कॉमन ही रहती है ठीक है चलो तो बच्चा लोग थर्टी डेज तो टाइम आपको मिलेगा लेकिन इफ द चार्ज इज क्रिएटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द अमेंडमेंट दैट इज बिफोर सेकेंड November टू थाउजेंड एटीन तो आपको टाइम कितना दिया जाता है तो बच्चा लोग आपको टाइम दिया जाता है तीन सौ दिन का थ्री हंड्रेड डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चार्ज क्रिएटेड थ्री हंड्रेड डेज आपको टाइम मिलेगा बच्चा लोग लेकिन थ्री हंड्रेड कब से थर्टी डेज के बाद से नहीं मैं आपको यहां पे एक टाइम लाइन बना के बता देता हूं देखो फ्रेंड्स दिस इज सेकेंड November टू थाउजेंड एटीन चार्ज क्रिएट कब हुआ बिफोर अमेंडमेंट हुआ राइट दैट इज समझो यहां पे चार्ज क्रिएट हुआ है दिस इज द डेट ऑफ चार्ज क्रिएशन ठीक है तो आंसर इज थर्टी डेज चार्ज क्रिएट हो गया अभी थर्टी डेज का टाइम आपको मिलता है तो थर्टी डेज हो गया इधर करेक्ट अगर आपने थर्टी डेज के अंदर क्या नहीं किया अगर आपने थर्टी डेज के अंदर रजिस्टर नहीं किया तो आपको मिलता है एडिशनल टाइम एडिशनल टाइम कितना मिलता है तीन सौ दिन का एडिशनल टाइम आपको मिलता है तीन सौ दिन कब से फ्रॉम द डेट ऑफ चार्ज क्रिएशन मतलब यहां से आपको तीन सौ दिन का टाइम गिनना होगा तो तीन सौ दिन का टाइम आपके पास है आपको रजिस्ट्रेशन करना है कहना ऐसे तीन सौ दिन के अंदर थर्टी डेज भी आ गया यस yes. मतलब आपको नेट एक्सटेंशन कितना मिला 270 डेज का टाइम आपको मिला करेक्ट इजी इतना चलो अगर आपने उसमें भी नहीं किया रजिस्टर 300 दिन में भी इफ द चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड तो आपको कितना टाइम मिलता है तो बच्चा लोग इन दैट केस आप चार्ज को रजिस्टर कर सकते हैं विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अमेंडमेंट दैट इज जो मैंने आपको कहा था कि भाई 2nd नवंबर यहां पे राइट तो या तो आप हंड्रेड डेज जो जहां पे खत्म हो रहे हैं वहां पे कर दो रजिस्टर एंड अगर आपने उसमें नहीं किया तो आपको मिलेंगे कितने डेज सिक्स मंथ्स का टाइम मिलेगा कब से सेकेंड नवंबर से सो सेकंड नवंबर से सिक्स मंथ्स का टाइम आपको मिलता है रजिस्टर करने के लिए तो ऐसा देखा जाए तो आपको नेट एक्सटेंशन तो सिर्फ इतने का ही मिलता है बिकॉज ऑलरेडी इतना तो मिल ही रहा था पहले करेक्ट तो आपको इतना एक्सटेंशन यहाँ पे मिल जाएगा सो आई होप दिस इज क्लियर चलो उसके बाद अब आप बोलेंगे सर जब इतना एक्सटेंशन मिल रहा है तो टोटल मार के बोलो ना सर सीधा तो बच्चा लोग देखो ऐसे नहीं होता है जितना डिले होगा उतना आपको पे करना पड़ेगा एडिशनल फीस जितना डिले होगा उतना आपको पे करना पड़ेगा एडिशनल फीस कितने डेज तक का आप डिले कर रहे हो अकॉर्डिंगली आपको यहां पे आप देख रहे हो एडिशनल फीस बढ़ते जाएगी टू टाइम्स फोर टाइम्स सिक्स टाइम्स ट्वेल्व टाइम्स तक एडिशनल फीस आपको पे करनी पड़ सकती है ठीक है तो ये तो बात थी बच्चा लोग कभी की इफ द चार्ज इज क्रिएटेड

तो बच्चा लोग उसके बाद आपको जनरली कितना टाइम मिलता है रजिस्टर करने को तो आंसर इज थर्टी डेज तो इस दिन से थर्टी डेज का टाइम आपको मिलेगा फॉर रजिस्ट्रेशन अगर आपने थर्टी डेज के अंदर रजिस्टर नहीं किया तो डू यू गेट एक्सटेंशन यस लेकिन अब आफ्टर अमेंडमेंट में आपको तीन सौ दिन का टाइम एक्सटेंशन में नहीं मिलता है नाव यू गेट एक्सटेंशन ऑफ सिक्सटी डेज ओनली वो भी फ्रॉम द डेट ऑफ चार्ज क्रिएशन कुछ समझा गया मतलब कब से कब तक होगा बच्चा लोग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चार्ज क्रिएशन मतलब यहां से क्रिएशन से आपको मिलते हैं 60 डेज मतलब ये 60 में तो ये 30 भी कवर हो ही गए करेक्ट तो कैन ऐसे आपको नेट जो मिला है वो तो 30 ही है नेट तो 30 ही मिला है आर यू गेटिंग द पॉइंट यस तो आपको 60 डेज के अंदर ये काम करना पड़ेगा अगर बच्चा लोग यहां पे देखो क्या बोला है? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इज नॉट मेड विद इन द सेट टाइम ऑल्सो अगर आपने ये 60 डेज जो बोला उसमें भी अगर आपने नहीं किया है तो बच्चा लोग आपको क्या करना पड़ेगा तो यू गेट फर्दर 60 डेज का टाइम कितना फर्दर 60 डेज मतलब दिस नेट 60 days का आपको मिलता है ऑन द पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस मतलब इसके बाद आपको और नेट 60 डेज का टाइम मिलेगा एंड दैट इज फाइनल इतने टाइम के अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा दिस इज योर नेट सिक्सटी डेज समझ रहे हो आप तो पहले आपको मिलेगा थर्टी थर्टी में आपने नहीं किया तो आपको मिलेगा सिक्सटी फ्रॉम द रेट ऑफ चार्ज क्रिएशन विच इज़ नेट थर्टी ओनली एंड फर्दर सिक्सटी अगर आपने उसमें भी नहीं किया तो लेकिन अगेन सेम चीज़ बचा लोग यहाँ पे आपको जितना आप डिले करेंगे उतना आपको पे करनी पड़ेगी फीस सिक्स टाइम्स द फीस है देखो ये सब राइट right? हालांकि यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया है स्मॉल कंपनी और वन परसेंट कंपनी को एंड बाकी कंपनीज के लिए ये जो लिस्ट है इसको आपको फॉलो करना है राइट तो सिक्स टाइम्स द फीस थ्री टाइम्स द नॉर्मल फीस वो आपको पे करना पड़ेगा आगे ये तो एक्सटेंशन का बात हो गया आगे व्हाट अबाउट सेक्शन 77 और क्या कहता है वो तो बच्चा लोग सेक्शन 77 ये कहता है कि अगर समझो मेरा चार्ज मुझे राइट मिला है किसी प्रॉपर्टी पर उसके बाद कंपनी ने सेम प्रॉपर्टी पर किसी दूसरे पर्सन को भी राइट दे दिया तो क्या मेरा राइट अफेक्ट होगा कि नहीं होगा कम ऑन आप देख रहे हो सेम प्रॉपर्टी पे कंपनी ने क्या किया दो लोगों को चार्ज क्रिएट करके दे दिया तो क्या मेरा राइट अफेक्ट होगा कि नहीं होगा तो आंसर इज नहीं होगा ठीक है एनी सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज शाल नॉट अफेक्ट मतलब शाल नॉट अफेक्ट एनी राइट एक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिफोर द चार्ज इज एक्चुअली रजिस्टर्ड ये वो पॉइंट हो जाएगा उसके बाद सेक्शन नंबर 77 जो बात करता है स्पेसिफिकली रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के बारे में सेक्शन नंबर 77 सेवन शाल नोट अप्लाई टू सच चार्जेस कुछ कुछ ऐसे चार्ज है जहां पे रजिस्ट्रेशन का जरूरत ही नहीं है बस यस yes, ऐसे चार्जेस जो प्रिस्क्राइब किए हैं इन कंसल्टेशन विद आरबीआई तो ऐसे चार्जेस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो भी चलता है ठीक है अदरवाइज आपको बेसिकली मैंने आपको बताया था कि भाई कंपनी को क्या करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है किसके पास अप्लाई करना पड़ता है आर के पास अप्लाई करना पड़ता है यू कैन सी कंपनी विल गो टू आर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज कौन से फॉर्म में अप्लाई करेंगे मैंने आपको बोला था सी एच जी वन में आप अप्लाई करेंगे एंड इन केस ऑफ डिचर्स यू विल अप्लाई इन फॉर्म सी एच जी नाइन अब आपने अप्लाई किया आर ने वेरीफाई किया सारे एप्लीकेशन एंड एवरी थिंग सब चेक किया फीस चेक किया एंड देन ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज आर आपको इशू कर देगा एक सर्टिफिकेट दैट इज इनफॉर्म नंबर सी एच जी टू और सी एच जी टू जो है वो दोनों ही पार्टीज को दिया जाएगा दैट इज कंपनी एज वेल एज टू द चार्ज होल्डर दोनों को यह दे दिया जाएगा वेरी सिंपल और एक बात समझो अगर कोई कंपनी है जिसके प्रॉपर्टी पर आपको राइट आपका राइट है कोई कंपनी है जिसके प्रॉपर्टी पर आपका राइट है ठीक है अब वो कंपनी क्या हो रही है कंपनी इंसवॉलमेंट हो रही है तो वहाँ पे ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया है तो वो लिक्विडेटर क्या करता है कंपनी के असेट्स को बेचता है लाइबिलिटी पे ऑफ करता है है कि नहीं तो बच्चा लोग अभी आपने देखा कि उस कंपनी के प्रॉपर्टी पर हमारा भी तो राइट right है तो क्या हम भी जाएंगे जब वो जो होगा वो जब कंपनी के असेट्स बेचेगा लायाबिलिटी चुकाने के लिए तो हम भी लाइन में जाके खड़े हो जाएंगे ना ला भाई हमको भी दे पैसा हमारा हा या ना तो क्या वो लिक्विडेटर हमारी बात सुनेगा क्या वो लिक्विडेटर हमको भी राइट right देगा तो बच्चा लोग आंसर इज क्या वो राइट देगा तो आंसर इज लोग यहां पे ऐसा बोला गया है नो चार्ज क्रिएटेड बाय द कंपनी शाल बी टेकन इन टू कंसिडरेशन जो दिक्विडेटर है वो इसको कंसिडर सिर्फ और सिर्फ तभी करेगा ओनली एंड ओनली इफ योर चार्ज इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन सेवेंटी सेवन अगर आपका चार्ज रजिस्टर्ड होगा मतलब अगर आपके पास सी एच डी टू होगा तो ही वो आपका रिक्वेस्ट कंसिडर करेगा अदरवाइज कंसिडर नहीं करेगा ठीक है तो ये जो प्रोसीजर था ये इसको फिर से यहां पे दिया हुआ है उसके बाद बच्चा लोग अगर आपने चार्ज को रजिस्टर नहीं किया तो आपने चार्ज देखो कंपनी ने क्या किया आपसे पैसा ले लिया एंड कंपनी ने क्या किया अपने प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट भी करवा दिया ठीक है लेकिन चार्ज क्रिएट तो किया लेकिन उसको रजिस्टर करवाया क्या नहीं तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज तो बहुत सिंपल है कंपनी ने भले ही आपके फेवर में चार्ज क्रिएट किया है लेकिन रजिस्टर तो नहीं किया है तो बच्चा लोग इफ द चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड तो आप भले ही कंपनी के क्रेडिटर हो ठीक है लेकिन आप पता है क्या माने जाओगे आपको स्टेटस मिलेगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब आपको राइट right कब मिलेंगे लास्ट में राइट right मिलेंगे पैसा वसूलने के ठीक है उसके बाद बच्चा लोग अगर चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ है तो वो ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा वॉइड हो जाएगा दैट बी वॉइड फॉर द लिक्विडिटर एज वेल एज फॉर द क्रेडिटर तो यह भी एक इफेक्ट है ठीक है इफ द चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड बच्चा लोग तो ट्रांजेक्शन शाल बी कंसिडर्ड टू बी अ वैलिड बोरो मतलब क्या होता है इसका इसका मतलब यह है समझो अगर चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ ठीक है चार्ज क्रिएट किया कंपनी ने अरे आपने पैसा दिया कंपनी को इसीलिए तो कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया ना लेकिन रजिस्टर किया गया नहीं रजिस्टर नहीं किया तो क्या इसका मतलब यह है कंपनी आपको पैसा रिटर्न नहीं करेगा रिटर्न नहीं करेगा तो चलेगा तो आंसर इज नो कंपनी इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू रिपे द मनी कंपनी अभी भी अंडर द ऑब्लिगेशन है टू रिपे यू द मनी कुछ बात समझता है मैं क्या बोल रहा है यस yes. क्योंकि आपको आपने देखा आपको स्टेटस क्या मिला था आपको स्टेटस मिला था अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का सिक्योर्ड क्रेडिटर का आपको स्टेटस मिला था तो अभी भी कंपनी का ऑब्लिगेशन तो है टू रीपे द मनी बात समझ में आ गया यस yes. उसके बाद फ्रेंड्स इफ द चार्जेस आर नॉट रजिस्टर्ड अगर चार्ज जो है वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो बच्चा लोग आपको क्या राइट्स मिलेंगे चार्ज होल्डर विल गेट ऑल द राइट्स ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आपको सारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वाले राइट जो तो है वो मिल जाएंगे ठीक है आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी एंड फिर बोला जाता है बच्चा लोग सबसिक्वेंटली अगर कोई चार्ज रजिस्टर होता है तो भी आपको राइट तो मिलता ही है यस yes. मतलब आप समझ रहे हो अगर एक प्रॉपर्टी है जिसपे दोनों पार्टीज को राइट क्रिएट करके दिया है तो ऑबियसली बात है वहां पर प्रायोरिटी वाइज दोनों पार्टीज के पास राइट तो आएगा ठीक है, so, जो भी secured होगा, जो भी चार्ज होल्डर होगा उसको भी राइट तो मिलेगा तो ये बच्चा लोग आपने आपने देखा registration of charge, right? तो आपने देखा तो पे सबसे पहले रजिस्टर कर कौन रहा है कर रहा है। लेकिन व्हाट इफ कंपनी ने चार्ज को रजिस्टर करवाया ही नहीं तो तो टेंशन की कोई बात नहीं है फिर भी चार्ज होल्डर सेफ है चार्ज होल्डर को यहाँ पे बचाने आ गया है सेक्शन नंबर सेवेंटी जिसमें ऐसा बोला गया है कि अगर कंपनी ने थर्टी डेज के अंदर अंदर इफ कंपनी फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज विद इन के पास फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज यस कुछ समझ में आया तो इन दैट केस अ पर्सन इन हूज फेवर द चार्ज इज टू बी क्रिएटेड मे अप्लाई टू आर सी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इन द सेम फॉर्म्स दैट इज फॉर्म नंबर सी एच जी वन और नाइन एज द केस में तो चार्ज होल्डर मतलब मनी लेंडर पब्लिक खुद रजिस्ट्रेशन करवा लेगा चार्ज एप्लीकेशन टू आर अभी आरोपी क्या करेगा फ्रेंड्स के पास एप्लीकेशन गया समझ में आती है बात अभी जैसे ही एप्लीकेशन गया आर क्या करेगा रजिस्टर कर देगा नहीं आर पहले आप समझ रहे हो स्टोरी कैसे जा रही है एक तो कंपनी है एक तो पब्लिक है एंड तीसरा कौन है आर करेक्ट यहाँ पे चार्ज क्रिएट किया था क्योंकि इन्होंने लोन दिया था अभी कम पब्लिक ने अप्लाई किया ना आर के पास फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज राइट तो अभी बच्चा लोग जैसे ही आर के पास जाएगा मैटर आर क्या का सीधा रजिस्टर कर देगा नहीं ये जो एप्लीकेशन गया है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बच्चा लोग आर इज गोइंग टू फर्स्ट सेंड शो कॉज नोटिस आर पहले क्या भेजेगा कंपनी को शाल शो कॉज नोटिस यस आर ओ सी विल सेंड द शो कॉज नोटिस टू द कंपनी मतलब पहले उन उस आदमी को पूछो जिसका ड्यूटी था रजिस्टर करने का तो कंपनी को पूछा जाएगा भाई आपने रजिस्टर क्यों नहीं किया समझ में आ रही है बात एंड बचाल कंपनी को रिप्लाई करना पड़ेगा ना अभी यस, बिकॉज आर ने कंपनी से शो कॉज नोटिस भेजकर एक्सप्लेनेशन मांगा है कि आप बताइए कि इस चार्ज को रजिस्टर क्यों नहीं किया जाए तो अब कंपनी क्या करेगा बच्चा लोग ऑब्वियसली कंपनी हैव टू रिप्लाई डेज ऑफ़ ऑफ़ द रिसीट नोटिस। कंपनी को क्या करना है रिप्लाई करना पड़ेगा कंपनी विल रिप्लाई विद इन फोर्टीन डेज कंपनी 14 डेज के अंदर रिप्लाई करेगा एंड अगर रिप्लाई नहीं किया तो अगर रिप्लाई नहीं किया तो आर इज गोइंग टू रजिस्टर द चार्ज तो आर क्या करेगा रजिस्टर कर देगा एंड जो भी रजिस्ट्रेशन का खर्चा होगा वो किससे लिया जाएगा वो कंपनी से लिया जाएगा बिकॉज इट वॉज द ड्यूटी ऑफ कंपनी टू रजिस्टर द चार्ज दिस वॉज यवेंटी अभी सॉरी सेवेंटी एट सेवेंटी नाइन क्या कहता है 79 नाइन इज टॉकिंग अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 77 सेवन सेवनटी सेवन एज यू नो ये किस बारे में है ये रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के बारे में है राइट right? तो बच्चा लोग 77 कब कब अप्लाई होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज कब का अप्लाई होता है तो वेरी सिंपल एक तो जब भी चार्ज क्या होता है क्रिएट होता है तब एंड दूसरा जब भी चार्ज को हम मॉडिफिकेशन करें तब ये दोनों ही केस में यू हैव टू गो फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज एक तो चार्ज जब क्रिएट होता है तब एंड दूसरा वेन एवर वी गो फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज तब दोनों ही केस में हमें रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करना पड़ेगा ठीक है ये सॉफ्ट सेवेंटी नाइन यू कैन सी सेक्शन नंबर 80 दैट इज नोटिस ऑफ चार्ज नोटिस ऑफ चार्ज नाउ वट इज दिस देखो फ्रेंड समझो अगर कोई कंपनी है टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स के एक बिल्डिंग है उस बिल्डिंग पर ऑलरेडी

मैं उस प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहा हूं कैनाई से मैं ऐसे प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहा हूं जिस पर ऑलरेडी किसी का राइट है राजू का राइट है यस। जिस पर ऑलरेडी चार्ज रजिस्टर्ड है यस तो बच्चा लोग यहां पे बताइए वो प्रॉपर्टी पर मुझे राइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा हु विल प्रायोरिटी ओवर दैट प्रॉपर्टी राजू या तो is, विल गेट द प्रॉपर्टी तो आंसर इज ऑब्वियसली राजू विल गेट द प्रॉपर्टी डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन मतलब यहां पर क्या बोला है सच पर्सन शाल बी डीम्ड टू हैव रजिस्टर्ड चार्ज मतलब उसको पता है कि वो चार्ज रजिस्टर्ड है यह बात अज्यूम्ड है समझ में आया

राइट right? जितने भी वो चार्ज रजिस्टर करेगा उन सबका वो डिटेल्स मेंटेन रखेगा ठीक है एंड ये जो डिटेल्स होते हैं चार्जेस के वो अवेलेबल होते हैं एम पोर्टल पे ठीक है देखो यहाँ पे वेबसाइट का नाम भी दिया हुआ है राइट एंड दैट शैल बी डीम्ड टू बी द रजिस्टर ऑफ चार्जेस फॉर द परपज ऑफ सेक्शन एटी ऑफ द एक्ट मतलब आप क्या कर सकते हो इट कैन बीट ऑब्वियसली वो जो रिकॉर्ड है सारा वो ओपन फॉर इंस्पेक्शन है बाई एनी पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ फीस मतलब आप फीस पे करके उसको क्या कर सकते हो आप इंस्पेक्ट कर सकते हो तो आप ये जो वेबसाइट मैंने आपको यहाँ पे लिखी है ये देखो आप ये वेबसाइट पे जाके आप क्या कर सकते हो जो भी चार्जेस रजिस्टर्ड है उसके बारे में आप डिटेल्स चेक कर सकते हो करेक्ट सो ऐसा रिकॉर्ड कौन मेंटेन रखता है आर फिर आता है सेक्शन नंबर एटी एंड एटी थ्री टॉक्स अबाउट सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज मतलब देखो फ्रेंड्स कंपनी ने क्या किया पैसा लिया बोरो किया एंड इसीलिए चार्ज क्रिएट किया तो जो मनी लेंडर्स है पब्लिक है जो बैंक है जिसने पैसा दिया है क्या उनके पास राइट right है हां उनके पास राइट right है बच्चा लोग वो लोग क्यों उछल रहे हैं कि हमारे पास राइट right है कंपनी की प्रॉपर्टी पर हमारे पास राइट right है कंपनी की प्रॉपर्टी पर वो लोग क्यों उछल रहे हैं वो लोग इसीलिए उछल रहे बिकॉज दे हैव गिवन मनी है, है कि नहीं बच्चा लोग व्हाट इफ कंपनी मेक्स रीपेमेंट ऑफ एंटायर लोन मनी कंपनी मेक्स रीपेमेंट ऑफ एंटायर लोन मनी तो बच्चा लोग इट इज सेट दैट कि वो जो उनका राइट right है वो सेटिस्फाई हो गया है उनका राइट क्या हो गया है सेटिस्फाई हो गया है इसको कहते हैं ऑफ चार्ज बेसिकली जब भी कंपनी पैसा रिपे कर दे तो ये लोग का उछलना बंद हो जाएगा ये लोग सैटिस्फाई हो जाएंगे इन, इन इनका इनका जो राइट है वो सैटिस्फाई हो जाएगा तो इसको क्या कहते हैं ऑफ चार्ज कहते हैं तो वेन द दिन ऑफ द लोन मनी बोरोड देन इट इज कॉल्ड चार्ज सेटिस्फाई हो गया तो भी राइट भले इनके खत्म हो गए बिकॉज इनको इनका पैसा वापस मिल गया लेकिन आर के पास पता है हमने रजिस्टर करवाया था

और उसमें भी अगर कुछ डिले होता है तो आपको यहाँ पे भी थ्री हंड्रेड डेज का एडिशनल टाइम मिल जाता है समझ में आ गई बात अब जैसे ही आपने बोला मतलब कंपनी ने बोला आर को कि भाई पैसा रीपे कर दिया है ये लो एप्लीकेशन सी एच डी फोर में रिगार्डिंग सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज तो जब ये एप्लीकेशन आप कर दोगे तो आर तुम्हारी बात मान के कंपनी का बात मान के क्या आर सीधा चार्ज को सेटिस्फाई कर देगा अपने रजिस्टर में चेंजेस कर देगा नहीं जैसे ही कंपनी अप्लाई करता है आर के पास कि भाई रिपेमेंट हो चुका है आपके रिकॉर्ड में चौकड़ी मार दो सब कैंसिल कर दो तो आर पहले जाके पूछता है किसको चार्ज होल्डर को यस yes, एंड वो लोग रिप्लाई करते हैं विद इन फोर्टीन डेज एंड अगर चार्ज होल्डर के यहां से कोई रिप्लाई नहीं आता है तो तो रजिस्ट्र शाल कि भाई यहां पे सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज सच में हुआ है राइट एंड यहां पे पैसा रिपेमेंट हो चुका है तो उस केस में आर ओ सी इज गोइंग टू इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज मतलब जो रीपेमेंट हो चुका है उसका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इन फॉर्म नंबर सी एच डी फाइव कमन वन सेकेंड अपलाई किस किया था सी एच डी फोर में सर्टिफिकेट किसमें मिला सी एच डी फाइव में अब ये प्रूफ है कि पैसा रीपे हो चुका है दिस इज द कॉन्क्लूसिव एविडेंस कॉन्क्लूसिव एविडेंस रिगार्डिंग रीपेमेंट ऑफ मनी आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी बहुत सिंपल बात हो चुकी है राइट एंड यहां पर भी आप जब एडिशनल जाते हो तो आपको एडिशनल फीस पे करनी पड़ती है फॉर देट यू कैन फॉलो दिसन नंबर एटी फोर दैट इज रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट और सीजेशन ऑफ रिसीवर और मैनेजर दिस बचालो कंपनी की जो प्रॉपर्टी है जिस पर चार्ज रजिस्टर्ड है ठीक है अब बच्चा लोग अगर ऐसा हुआ कि कोर्ट ने किसी पर्सन को अपॉइंट कर दिया एज अ मैनेजर क्यों टू टेक केयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी ठीक है टू टेक केयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी अगर किसी पर्सन को अपॉइंट किया किसने कोर्ट ने एज अ मैनेजर टू टेक केयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी ठीक है तो बच्चा लोग उस केस में यहाँ पे ऐसा बोला है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सच पर्सन टू इन्फॉर्म द कंपनी एज वेल एज टू द आर दोनों को इन्फॉर्म करना है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड ऑल्सो रिगार्डिंग सीजेशन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एज वेल एज सीजेशन आपको इन्फॉर्म करना है कौन से फॉर्म में यू हैव टू मेक दिस इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म सी एच डी सिक्स विद इन थर्टी डेज ऑफ अपॉइंटमेंट और सीजेशन तो आपको सिर्फ इन्फॉर्म करने बोला गया है कौन इन्फॉर्म करेगा यह पर्सन इन्फॉर्म करेगा किसको इन्फॉर्म करेगा दोनों को कंपनी को भी और आर को भी सेम चीज यहां पे आप देख रहे हो लिखा है कि भाई देखो कौन से केस में इन्फॉर्म करना है तो जब भी अपॉइंट होगा तब इन्फॉर्म करना है ठीक है उसके बाद यहां पे लिखा है हु शाल तो वही पर्सन इट शाल बी गिवन बाय द सेम पर्सन टू हूम टू इन्फॉर्म टू रजिस्ट्रार टू इन्फॉर्म कौन से फॉर्म में सी एच जी सिक्स में इन्फॉर्म करना है कितने टाइम में तो विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द हैपनिंग ऑफ दैट ऑर्डर राइट एंड रजिस्टर क्या करेगा ऑन रिसीट ऑफ सच रिक्वेस्ट सी एच जी सिक्स वो अपने रिकॉर्ड में चेंजेस कर देगा राइट वेरी सिंपल फिर आता है सेक्शन नंबर एटी फाइव विच इज अगेन टॉकिंग अबाउट रजिस्टर ऑफ चार्जेस इस बार चार्ज का रजिस्टर कौन मेंटेन कर रहा है कंपनी मेंटेन कर रहा है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में एज फॉलोज अभी कंपनी जो रजिस्टर मेंटेन कर रहा है उसमें भी डिटेल्स है सारे चार्जेस के तो दैट रजिस्टर शाल बी इन फॉर्म नंबर सी एच जी ठीक है ये जो रजिस्टर होगा ये कंपनी प्रिजर्व करके रखेगा फॉर अ पीरियड ऑफ एट ईयरस फ्रॉम द डेट ऑफ रीपेमेंट दैट इज एट ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज इट इज नॉट अबाउट द क्रिएशन ऑफ चार्ज बट सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज से एट ईयर्स तक कंपनी इसको मेंटेन करके रखेगा ठीक है स आर ओ सी जो है यहां पे बोला है मेंटेन द रिकॉर्ड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज फाइल्ड बाई द कंपनी जैसे कंपनी रिकॉर्ड फाइल करेगा आर ओ सी अकॉर्डिंगली उसको मेंटेन करेगा फिर अगर ऐसा कुछ रिकॉर्ड है जो आर ओ सी ने मेंटेन किया है एंड इट इज नॉट करेक्ट तो एप्लीकेशन कैन बी मेड फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ठीक है एंड यू कैन अप्लाई टू एनसीएल फॉर द सेम फॉर द चेंजेस ठीक है तो आप देख रहे हो यहाँ पे फिर यहाँ पे डिटेल्स दिया है बचा लो क्या क्या डिटेल्स आप रजिस्टर में लिखोगे कंपनी क्या क्या डिटेल्स दिखेगा तो बहुत बेसिक डिटेल है कि भाई कौन से दिन को यहाँ पे चार्ज क्रिएट हुआ कितने अमाउंट के लिए चार्ज क्रिएट हुआ कौन सा रेजोल्यूशन पास किया था कंपनी में इस चार्ज को क्रिएट करने के लिए कौन से प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट हुआ है इंस्ट्रूमेंट की कॉपी क्या क्या है लिस्ट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ चार्ज होल्डर ठीक है सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर उसके बाद आता है मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज नाउ व्हाट इज दिस अब समझो कंपनी को आपने पैसा दिया है राइट दस लाख रुपया एंड कंपनी ने दस लाख रुपए के लिए चार्ज क्रिएट किया चार्ज को रजिस्टर भी किया एंड आपको मिल गया सी एच जी टू अब आपने आपको कितना पैसा देना है कंपनी को दस लाख रुपए देना है करेक्ट अब फ्रेंड्स आपने पता है क्या किया आपने दस लाख में से पार्ट पेमेंट कर दिया तीन लाख रुपए का तो अब बताओ अब आपको यहाँ पे कितना पैसा और पेंडिंग है सात लाख रुपया खाली पेंडिंग है कितना पैसा और चुकाना बाकी है कंपनी को सात लाख रुपया खाली चुकाना बाकी है आपने दस लाख रुपया कंपनी को दिया था करेक्ट तो अभी खाली तीन लाख रुपया चुकाना बाकी है लेकिन बच्चा लोग आपके पास जो सर्टिफिकेट है सी एच जी टू बिकॉज चार्ज वॉज ऑल्सो रजिस्टर्ड उसमें कितना लिखा है उसमें आज भी लिखा है दस लाख है कि नहीं ये जो सी एच जी टू है कंपनी ने आपको पैसा चुका दिया कितना तीन लाख आपने पैसा कितना दिया था कंपनी को दस लाख और कंपनी ने रीपे कर दिया कितना तीन लाख है कि नहीं तो ये जो रीपेमेंट हो चुका है लेकिन अभी भी पब्लिक के पास तो सर्टिफिकेट कितने का है दस लाख का है तो क्या के पास रिकॉर्ड में कितना लिखा है के पास में में रिकॉर्ड भी लाख ही लिखा है तो क्या हमें इसको चेंज करवाना पड़ेगा ये उसी को कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज तो जब भी किसी भी टाइप का चेंजेस आता है लाइक वेरिएशन इन द रेट ऑफ़ इंटरेस्ट इंक्रीज और डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ बोरोइंग राइट चेंज इन द सिक्योरिटी एक्सटेंशन ऑफ टाइम किसी भी तरह का चेंज आता है तो आपको उसका मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा मतलब चेंजेस करने के बाद आपको फिर से आर ओ सी के पास अप्लाई करना पड़ेगा तो आप आर ओ सी के पास अप्लाई कर दो फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज अप्लाई फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज फिर ROC क्या करेगा आपको फिर से नया सर्टिफिकेट इश्यू करेगा जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बोला था कि आपने कंपनी को दस लाख रुपए दिया लेकिन कंपनी ने तीन लाख रुपए रीपे भी कर दिया तो अब कितना राइट है पब्लिक के पास सात लाख का ही राइट है लेकिन सर्टिफिकेट दस लाख लिखा है तो इसीलिए सो so, हमने बोला ना यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन तो अपन को करना ही पड़ता है और उसी के पास अप्लीकेशन देना ही पड़ता है राइट एंड देन आता है बच्चा लोग पेनल्टी सेक्शन नंबर 86 यू कैन सी दैट अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है तो कंपनी पर ये पेनल्टी है राइट एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर ये पेनल्टी है तो ये बहुत ही सिंपल है किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन कुछ दिया तो फ्रॉड की पेनल्टी यू you नो know, सेक्शन फोर की पेनल्टी यहाँ पर पे पड़ जाएगी फिर आता है सेक्शन नंबर एटी सेवन जहाँ वी टॉक अबाउट वी यू मेक एन एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट इनफॉर्म नंबर सी एच जी एट ये क्या बात होती है आपको पता है हमने आगे बात की थी स्टार्टिंग में कि अगर कंपनी ने चार्ज रजिस्टर नहीं किया थर्टी डेज के अंदर तो वी गेट एडिशनल टाइम एडिशनल टाइम आपको मिलता है कितना वो थ्री हंड्रेड डेज सिक्सटी डेज वो सब जो कुछ भी था तो जब भी बच्चा लोग आप किसी भी तरह का कुछ भी आप फॉलो नहीं कर पाते हो किसी भी तरह का आपसे ओमिशन हो जाता है ओमिशन में मिस स्टेटमेंट हो जाता है कोई डिटेल्स आप गलत फाइल कर देते हो तो यू कैन अप्लाई टू आर ओ सी इनफॉर्म नंबर सी एच जी एट एंड इफ आर ओ सी इज सेटिस्फाइड अगर आर ओ सी इज सेटिस्फाइड दैट कि ये ओमिशन ये गलती वॉज एक्सीडेंटल राइट एंड ड्यू टू इन एडवर्टेंस और सम अदर सफिशेंट कॉज और इट इज नॉट ऑफ अ नेचुरल टू प्रोजुडाइज द पोजिशन ऑफ द क्रेटर और शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी मतलब एक गलती से हुआ था इसके वजह से शेयर होल्डर्स का राइट right अफेक्ट नहीं होना चाहिए क्रेइटर्स का राइट right अफेक्ट नहीं होना चाहिए तो वो आपको क्या कर देगा बच्चा लोग आपको एक्सटेंशन प्रोवाइड कर देगा तो यहाँ पे एटी सेवन से इतना ही बोल रहा है कि आपको ये एडिशनल रिक्वेस्ट के लिए है यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर सी एच डी एट दिस इज़ गिवन इन सेक्शन एटी सेवन नथिंग एल्स एंड इसी के साथ आपके सारे सेक्शंस जो है बचा लो यहाँ पे खत्म होते हैं सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखते हो लिस्ट ऑफ़ फॉर्म्स भी है सारे फॉर्म्स यहाँ पे सी एच जी वन यू नो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सी एच जी टू जो है जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिलता है रजिस्ट्रेशन का सी एच जी थ्री जो है उसमें आपको यू नो मोडिफाइड वाला सर्टिफिकेट आपको मिलता है चार्ज का सी एच जी फोर एंड फाइव यू मेक एन एप्लीकेशन फॉर सेटिसफैक्शन ऑफ चार्ज And five, may you get the memorandum, that is, you get the certificate of satisfaction of charge. CHG six, when you send the notice of appointment or a cessation of receiver or manager to company as well as ROC within 30 days, if you remember. CHG seven, register of charge, which is maintained by the company. CHG eight, when you make an application to central government for any type of omission or misstatement. CHG nine, again, when you make the application.

आपको पता है बच्चा लोग ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है एक डिपॉजिट्स एंड दूसरा तो हम पहले रिवाइज करने वाले हैं इसका पार्ट बी डिपॉजिट्स ओके ना फ्रेंड्स डिपॉजिट्स में एज यू नो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट्स राइट तो चलिए यस आईसीएसआई मॉड्यूल से रिवाइज करेंगे यस yes. तो यहां से शुरू होता है बच्चा लोग डिपॉजिट्स यस फ्रेंड्स डिपॉजिट्स बोला मतलब इट इज सेक्शन सेवेंटी थ्री टू कंपनीज एक्ट 2013 थाउजेंडीन राइट एंड ऑल्सो 2014 तो इतनी बात होती है तो सबसे पहले बात हो रही है मीनिंग ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में वट आर डिपॉजिट्स तो बच्चा लोग डिपॉजिट्स को डिफाइन कहां पर किया है सेक्शन नंबर टू में डिफाइन किया है राइट right? तो सेक्शन टू क्लॉज थर्टी One में डिपॉजिट्स को डिफाइन किया है एंड इसके डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या करता है रूल नंबर टू ऑफ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स तो आप देख रहे हैं यहां पे ऐसे बोला गया है कि एनी अमाउंट यस एनी रिसीट ऑफ मनी शाल बी कंसीडर्ड एज डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग में ये लिस्ट है आप देख रहे हो ये बड़ा सा लिस्ट है राइट मतलब ये जो लिस्ट है यह सबको छोड़कर अगर कोई भी तरीके से पैसा कंपनी के पास आता है तो वो डिपॉजिट है जैसे आप देख रहे हो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट राइट तो अगर कोई भी पैसा कंपनी को रिसीव होता है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट राइट एनी लोकल अथॉरिटी कोई भी अमाउंट रिसीव होता है फ्रॉम स्टैचुटरी अथॉरिटी इनमें से किसी से भी अगर कंपनी को पैसा रिसीव होता है तो वो डिपॉजिट नहीं है नेक्स्ट एनी अमाउंट रिसीव from फॉरन governments, फॉरन governments अगर पैसा आया कंपनी के पास इट इज़ नॉट अ डिपॉजिट एनी अमाउंट received इन द फॉर्म ऑफ लोन और फैसिलिटी from एनी बैंकिंग कंपनी from द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एनी ऑफ इट सब्सिडरी बैंक और from द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन अगर इसमें से किसी से भी अगर पैसा आता है हमारे पास तो वो क्या नहीं है डिपॉजिट नहीं है अगर कोई भी पैसा रिसीव होता है एज अ लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर पैसा कंपनी के पास आता है लोन के फॉर्म में तो भी वो डिपॉजिट नहीं है एनी अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट द इशू ऑफ कमर्शियल पेपर्स ये एक इंस्ट्रूमेंट आपको पता है और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस और नोटिफिकेशन ऑफ आरबीआई तो अगर पैसा कंपनी के पास रिसीव होता है इस मोड से तो भी वो डिपॉजिट नहीं है एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी आपको पता है ये इंटर कॉरपोरेट लोन्स हो गया एक कंपनी दूसरे कंपनी को पैसा देता है तो ये वाला रिसीट ऑफ फंड भी डिपॉजिट नहीं है अगर कोई पैसा रिसीव होता है एंड इट इज हेल्ड टू एन ऑफर मेड इन अकॉर्डेंस विद द ऑफ द एक्ट टूवर्ड्स द सब्सक्रिप्शन टू एनी सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी एडवांस अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज पेंडिंग अलॉटमेंट ये सब क्या है मतलब अगर आपको पैसा रिसीव हो रहा है शेयर एप्लीकेशन का लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया आपके कंपनी में राइट तो बच्चा लोग अगर शेयर एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव होता है तो वो रिसीट ऑफ फंड भी डिपॉजिट नहीं है एंड इसके रूल्स भी है समझो अगर कंपनी ने शेयर का एप्लीकेशन मनी रिसीव कर भी लिया है तो आपको पता ना कंपनी को अलॉटमेंट करना पड़ता है विद इन अ पीरियड ऑफ सिक्सटी डेज एंड अगर कंपनी ने सिक्सटी डेज के अंदर अलॉट नहीं किया है तो कंपनी को वो पैसा रिफंड करना पड़ता है इन नेक्स्ट फिफ्टीन डेज तो बच्चा लोग अगर कंपनी ने सिक्सटी डेज के अंदर अलॉट नहीं किया है एंड उसके बाद नेक्स्ट पंद्रह दिन के अंदर रिफंड भी नहीं किया है तो बच्चा लोग कंपनी को क्या करना पड़ेगा वो जो पैसा कंपनी के पास आया है दैट शाल बी ट्रीटेड एज अ डिपॉजिट अंडर दिस रूल्स समझ में आया यस yes. देन आता है एनी एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट फ्रॉम एनी अदर परपज शाल नॉट बी ट्रीटेड एज रिफंड तो बचा लोग यहाँ पे क्लियरली जो बात हुई है वो शेयर एप्लीकेशन का पैसा जो कंपनी के पास आया है वो डिपॉजिट नहीं है हाव अगर पैसा आया है तो कंपनी को अलॉट करना पड़ता है विद इन नेक्स्ट सिक्सटी डेज राइट अलॉट नहीं किया तो नेक्स्ट पंद्रह दिन में रिफंड करो नहीं किया तो डिपॉजिट है देन एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ बेसिकली एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी अगर पैसा कहा से आया कंपनी के पास डायरेक्टर से पैसा अगर आता है तो बच्चा लोग डायरेक्टर अगर अपनी जेब से पैसा देगा कंपनी को तो वो डिपॉजिट नहीं है अगर प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हो तो प्राइवेट कंपनी के केस के में अगर डायरेक्टर का रिलेटिव भी पैसा देता है तो भी उसको डिपॉजिट नहीं माना जाता है राइट हावेवर अगर डायरेक्टर ने पैसा किसी से बोरो करके कंपनी को दिया है पैसा बोरो करके अगर कंपनी को दिया है तो क्या वो डिपॉजिट है तो आंसर इज यस Then it shall be treated as deposit. Otherwise, नहीं। फिर आता है एनी अमाउंट रेस्ड बाई द इश्यू ऑफ बॉन्डेंचर्स बॉन्ड से आया हुआ पैसा डिबेंचर इशू करके आया हुआ पैसा डिपॉजिट है डिपॉजिट है तो बचा लो ये डिपॉजिट नहीं है ठीक है प्रोवाइडेड यहाँ पे कंडीशन है कंडीशन यह है कि वो डिबेंचर्स क्या होने चाहिए सिक्योर्ड होने चाहिए डिबेंचर्स मस्ट बी सिक्योर्ड करेक्ट यस yes. तो बच्चा लोग ये जो डिबेंचर यहां पे बोला है वो सिक्योर्ड होने चाहिए या तो फिर वो कन्वर्टेबल होने चाहिए कैसे convertible? Convertible तो उससे आया हुआ पैसा डिपॉजिट नहीं है ठीक है फिर आता है एनी अमाउंट रेस इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स अगर डिबेंचर्स नॉन कन्वर्टेबल है तो उससे भी आया हुआ पैसा डिपॉजिट नहीं है प्रोवाइडेड वो जो डिवेंचर इशू किया था वो लिस्टेड होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में राइट एंड दैट दैट वाज इश्यूड एस पर द रेगुलेशंस ऑफ सेबी सेबी रेगुलेशंस को फॉलो करके ये इशू किया गया था तो डिपॉजिट नहीं है फिर आता है एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम एन एम्प्लॉय कंपनी अगर कंपनी को अपने एम्प्लॉय से पैसा अगर रिसीव होता है तो भी वो डिपॉजिट नहीं है लेकिन कंडीशन ये है कि वो जो अमाउंट है दैट दैट अमाउंट शुड नॉट द एनुअल सैलरी ऑफ यस आप देख रहे हो अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एज एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी प्लस वो जो अमाउंट उसने दिया है कंपनी को वो नॉन इंटरेस्ट बेरिंग होना चाहिए मतलब उसने वो पैसा कंपनी को दिया था बिना किसी इंटरेस्ट के तो वो डिपॉजिट नहीं है

तो भी वो पैसा डिपॉजिट नहीं माना जाता है प्रोवाइडेड वो पैसा कंपनी के पास आया था नॉन इंटरेस्ट बेसिस पे नेक्स्ट पॉइंट कहता है एनी अमाउंट रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ और फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी मतलब आपको पता है कंपनी देखो या तो क्या करेगा गुड्स बेचता है या तो कंपनी सर्विसेज बेचता है तो जब कंपनी ऑर्डर लेता है गुड्स का या सर्विसेज का तो क्या कंपनी पहले एडवांस मांगता है यस yes. तो एडवांस अगर कंपनी को रिसीव हुआ है फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बचा लो क्या बोला गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज तो वो पैसा जो आया है वो डिपॉजिट नहीं है बात समझ में आया वो पैसा डिपॉजिट नहीं है प्रोवाइडेड वो पैसा कंपनी को गुड्स एंड सर्विसेज में एडजस्ट कर देना है मतलब गुड्स और सर्विसेज उसके बदले प्रोवाइड कर देना है एक्सेप्ट कंपनी को एडवांस मिला है क्योंकि कंपनी ने गुड्स एंड सर्विस का ऑर्डर लिया है राइट right? तो बच्चा लोग वो पैसा कंपनी को एडजस्ट कर देना है अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेस विद इन पीरियड ऑफ थ्री डेज इजी है यस yes. आगे चले नेक्स्ट देखो क्या बोला है फ्रेंड्स अगर कोई एडवांस कंपनी को रिसीव हुआ है इन एनी मैनर वो एवर कनेक्शन फॉर कंसिडरेशन फॉर एन ईमुएबल प्रॉपर्टी मतलब कंपनी ने अपना ईमुएबल प्रॉपर्टी किसी को बेचा है तो उसका एडवांस पैसा किसी ने दिया है कंपनी को ये जो एडवांस रिसीव हुआ है कंपनी के पास क्या ये एडवांस पैसा डिपॉजिट है

अग्रीमेंट मतलब एस पर प्रॉमिस तो वो पैसा डिपॉजिट नहीं माना जाएगा आगे अगर कंपनी के पास पैसा आता है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस कंपनी के पास कैसा पैसा आया सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के बेसिस पे अगर किसी ने कंपनी के पास पैसा रखा है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तो सिक्योरिटी में खाली एक अमाउंट रखा है राइट ताकि कंपनी टाइम पे क्या करे गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर दे तो वो पैसे को भी हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे फिर कंपनी के पास फिर से एडवांस आया है अंडर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सेप्ट कवर्ड इन आइटम बी अब मतलब क्या बोला इधर मतलब कंपनी ने पैसा रिसीव किया है एडवांस रिसीव किया है अंडर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स आपने देखा पहले अपन ने क्या बोला था फ्रेंड्स पहले अपन ने बोला था कि कंपनी ने अगर गुड्स एंड सर्विसेज का पैसा एडवांस लिया है तो कंपनी को वो पैसा एडजस्ट कर देना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ हाउ मच टाइम 365 डेज लेकिन यहां पे बोला है कि कंपनी ने एडवांस लिया है अंडर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स आपको बात समझ में आ रहा है तो वो जो एडवांस लिया है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का वो पैसा भी डिपॉजिट कंसिडर यहां पे नहीं होगा ठीक है और एक चीज अगर कंपनी ने एडवांस रिसीव किया है फॉर कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग फ्यूचर सर्विसेज मतलब कंपनी आज एडवांस ले रहा है लेकिन कंपनी सर्विस कब देगा फ्यूचर में देगा जैसे आपने देखा है एसी सर्विसिंग वाले जो घर पे आते हैं वो पता है आपको बहुत बार आपको एक साथ में आपको इंटरवल्स you know, आपके, आपके करके जाएंगे करेक्ट तो ये जो एडवांस रिसीव होता है कंपनी के पास वो समझो मैं एसी सर्विसिंग वाली कंपनी हूं तो एडवांस जो रिसीव किया मैंने दैट इज वॉट That is towards the consideration for providing future services, right? तो so, मैंने आज एडवांस ले लिया आपसे लेकिन मैं सर्विस आपको कब देने वाला हूँ? फ्यूचर में देने वाला हूँ। साल में चार बार आके आपकी सर्विसिंग करके जाऊंगा इसी की राइट तो जो एडवांस लिया है वो क्या नहीं है वो डिपॉजिट में ट्रीट नहीं होता है दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट हाँ लेकिन आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर देनी पड़ेगी कितने टाइम के अंदर अंदर कर देनी पड़ेगी आपको सो दट इज यू हैव टू प्रोवाइड द सर्विस विद इन अ पीरियड फाइव इयर्स और एज पर द कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस ड्यूरेशन समझ में आ रही है मेरी बात ये yes, इन दोनों में से विचरेज लेस अभी कैसा होता है अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन यूज होता है ये एसी सर्विसिंग वाली जो बात मैंने आपसे की इसमें जनरली एनुअल बात होती है मतलब एक साल की बात तो होती है तो इट्स दैट इज़ पर आपको क्या कर देना है सर्विस प्रोवाइड कर देना है जिसके लिए आपने एडवांस लिया है आगे अगर कंपनी ने एडवांस रिसीव किया है एज अलाउड बाय द सेक्टोरल रेगुलेटर आपको पता है अलग अलग सेक्टर के रेगुलेटर है लाइक सेबी रबीआई राइट ये सब रेगुलेटर्स है तो अगर कोई एडवांस रिसीव हुआ है कहाँ से एज अलाउड बाई सेक्टोरल रेगुलेटर ये सारे जो रेगुलेटर्स है इन्होंने अलाउ किया इसलिए पैसा रिसीव किया कंपनी ने या फिर इन अकॉर्डेंस विथ द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अगर रिसीव किया है तो वह डिपॉजिट नहीं है देन अगर एडवांस रिसीव होता है फॉर सब्सक्रिप्शन टूवर्ड्स द पब्लिकेशन वेदर इन प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो ये पैसा भी डिपॉजिट नहीं होता है मतलब आपको पता है बहुत सारी बार जैसे आपने तो जो एडवांस लिया है, वो किस चीज के लिए आपसे पैसा सब्सक्रिप्शन है पब्लिकेशन राइट तो वो जो पैसा रिसीव किया है वो डिपॉजिट नहीं है वो एक्सक्लूड किया गया है राइट सो आई होप इतना सबको समझ में आया आगे चलते हैं अगर कंपनी ने कोई अमाउंट रिसीव किया है अंडर पॉइंट ए बी एन डी आप देख रहे हो ए बी एन डी ए क्या था एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बी क्या था इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया उसका एडवांस डी क्या है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का एडवांस तो ये ए बी और डी के ये सिचुएशन में अगर कंपनी ने एडवांस लिया है तो बच्चा लोग वो एडवांस कंपनी ने लिया तो है लेकिन कंपनी के पास कंपनी जो पैसा एक्सेप्ट कर रही है डज नॉट हैव नेसेसरी परमिशन और अप्रूवल टू डील इन द गुड्स और और प्रॉपर्टीज सर्विसेज फॉर द मनी इज बीइंग टेकन मतलब कंपनी ने जिस काम के लिए पैसा लिया है वो काम करने का परमिशन कंपनी के पास है ही नहीं तो अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा वो जो एडवांस लिया है उसे रिफंड करना पड़ेगा येस वो रिफंड करना पड़ेगा दैट अमाउंट बिकम्स रिफंडेबल एंड अगर कंपनी ने क्या नहीं किया उसको रिफंड नहीं किया तो उस अमाउंट को अपन डिपॉजिट कंसिडर कर लेंगे अगर नहीं किया तो बच्चा लोग यहाँ पे उसको हम लोग डिपॉजिट कंसिडर कर लेंगे रिफंड करना होता है विदिन अ पीरियड ऑफ यस 15 डेज टाइम तो ये बात हो गई इजी है एवरीबडी यस yes. आगे एनी अमाउंट ब्रॉट इन बाय द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी बाय द वे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन मतलब पैसा किसने दिया है कंपनी के प्रमोटर ने दिया है किसको दिया है पैसा कंपनी को दिया है पैसा तो प्रमोटर से आया हुआ पैसा डिपॉजिट है क्या डिपॉजिट है क्या डिपॉजिट है क्या तो आंसर इज नो प्रमोटर से आया हुआ पैसा डिपॉजिट नहीं है लेकिन अगर प्रमोटर के रिलेटिव ने पैसा दिया है तो क्या वो डिपॉजिट है तो आंसर इज वो भी डिपॉजिट नहीं है ठीक है लेकिन फ्रेंड्स आप देख रहे हो देखो यहां पे क्या लिखा है

रिलेटिव से तो अगर पैसा प्रमोटर या उसके रिलेटिव से आ रहा है तो क्या वो डिपॉजिट है तो बच्चा लोग ये जो फंड्स आए हैं यहां से इसको हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे इनसे आया हुआ पैसा डिपॉजिट नहीं होता है ठीक है लेकिन अगर इन्होंने पैसा किसी बैंक से बोरो करके अगर आपको दिया है क्या किया बैंक से पैसा बोरो करके अगर किसको मिला है कंपनी को मिला है तो क्या ये डिपॉजिट है तो बच्चा लोग समझो फॉर एग्जाम्पल प्रमोटर ने पैसा बोरो किया है पांच साल के लिए पांच साल के लिए बोरो किया है एंड कंपनी को वही पैसा दे दिया है अब अगर कंपनी वो पैसा अपने पास होल्ड करके रखता है ओनली अप टू द पीरियड ऑफ फाइव इयर्स मतलब ओनली अप टू द ड्यूरेशन जब प्रमोटर वो पैसा लौटा दे बैंक को आपको समझा गया मतलब कंपनी एज होल्डिंग दैट अमाउंट होल्डिंग अमाउंट कब तक ओनली फॉर फाइव ईयर्स ठीक है सिर्फ अप टू फाइव ईयर्स के लिए ही अगर क्या करे वो होल्ड करके रखे फाइव ईयर्स एक्ट में नहीं लिखा है ऑब्वियसली वो इस एग्जाम्पल को अपन कंपेयर करते हुए बोल रहे हैं तो अगर पांच साल के लिए ही होल्ड करेगा कंपनी उसके बाद होल्ड नहीं करेगा तो फिर ये जो अमाउंट आया है बचा लोग ये अमाउंट डिपॉजिट नहीं है बट इफ कंपनी होल्ड द मनी अगर कंपनी पैसा अपने पास होल्ड करे इवन आफ्टर द प्रमोटर हैज मेड द रीपेमेंट ऑफ मनी टू बैंक प्रमोटर ने पैसा लौटा दिया है बैंक को उसके बाद भी कंपनी ने पैसा होल्ड करके अगर रखा है तो ऐसा रिसीट ऑफ फंड कंपनी के लिए क्या है डिपॉजिट है ऐसा रिसीट ऑफ फंड कंपनी के लिए क्या है डिपॉजिट है आई होप यू अंडरस्टूड इससे मैंने ये वाली चीजें जो है वो कवर कर ली ठीक है तो अगर प्रमोटर पैसा दे रहा है तो डिपॉजिट नहीं है प्रमोटर का रिलेटिव पैसा दे रहा है तो डिपॉजिट नहीं है ये लोग अगर पैसा बोरो करके कंपनी को दे रही है तो डिफेंस कंपनी ने वो पैसा कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखा है इन्होंने जितने टाइम के लिए बैंक से उधारी लिया होगा अगर उतने ही टाइम के लिए कंपनी पैसा अपने पास होल्ड करके रखेगा तो फिर वो डिपॉजिट नहीं होगा लेकिन प्रमोटर ने पैसा चुका दिया बैंक को उसके बाद भी इफ कंपनी इज होल्डिंग द मनी देन इट इज अ डिपॉजिट आगे अगर पैसा कंपनी को रिसीव होता है किससे निधि कंपनी से तो क्या वो डिपॉजिट है तो आंसर इज नो इट इज नॉट अ डिपॉजिट ये पैसा तो होल्ड करना अलाउड है ठीक है फिर एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द वे ऑफ सब्सक्रिप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ चिट फंड अंडर चिट फंड एक्ट 1982 तो चिट फंड एक्ट के अंडर अगर पैसा कंपनी के पास रिसीव होता है तो वो भी डिपॉजिट नहीं है एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी अंडर एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आपने सुना होगा सी आई एस यस इन कंप्लाइंस विद द सेबी रेगुलेशन तो ये पैसा भी डिपॉजिट नहीं होता है फिर अगर कोई अमाउंट 25 लाख रुपया और मोर रिसीव्ड बाय अ स्टार्टअप कंपनी बाय द वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट बच्चा लोग आपको पता है व्हाट इज कन्वर्टेबल नोट ये पैसा जो कंपनी के पास आया है वो कंपनी को किसी इन्वेस्टर ने पैसा दे तो दिया है लेकिन ये पैसे के बदले वो क्या चाहते हैं इक्विटी चाहते हैं लेकिन अभी तो कंपनी का वैल्यूएशन निकालना क्या है पॉसिबल नहीं है तो इसलिए इसको कन्वर्टेबल नोट के थ्रू पैसा एक्सेप्ट कर लिया है कंपनी ने मतलब कंपनी फ्यूचर में ये अमाउंट के बदले क्या देगा उनको इक्विटी शेयर देगा राइट तो कन्वर्टेबल नोट विच कन्वर्टेबल इंटू इक्विटी शेयर तो बच्चा लोग अगर स्टार्टअप कंपनी पैसा रिसीव करेगा ट्वेंटी फाइव लैक्स और मोर तो वो पैसा डिपॉजिट कंसिडर नहीं होगा कब तक टेन ईयर्स तक बिकॉज आपको पता है ना फ्रेंड्स की स्टार्टअपनी जो है वो टेन ईयर का रिलेक्सेशन एंजॉय करता है तो इट विल नॉट बी ट्रीटेडिटेर एंड लास्टली अगर कंपनी पैसा रिसीव कर रहा है फ्रॉम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ए आई एफ डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड येस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड विद सेबी इनमें से किसी के भी थ्रू अगर पैसा रिसीव कर रहा है तो वो डिपॉजिट में कंसिडर नहीं होता है राइट right? सो so, बच्चा लोग विद दिस आपका दूसरे रूल्स है वो क्या कहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले अपन को याद क्या आ रहा है डेफिनेशन ऑफ यस डिपॉजिटर हु इज अ डिपॉजिटर तो बच्चा लोग डिपोजिटर मतलब कंपनी में डिपॉजिट देने वाले पैसा डिपॉजिट करने वाले आपको पता है फ्रेंड्स कंपनी किससे पैसा एक्सेप्ट कर सकता है कंपनी या तो अपने मेंबर से पैसा एक्सेप्ट कर सकता है या तो किसी बाहर वाले से एक्सेप्ट कर सकता है तो इसलिए लिखा है एनी मेंबर एंड दूसरा क्या लिखा है एनी पर्सन ठीक है अगर कंपनी अपने ही मेंबर से पैसा एक्सेप्ट करेगा तो उसको अपन कहते हैं डेट इज डन इन सेक्शन सेवेंटी थ्री दैट इज डन एज पर सेक्शन सेवेंटी थ्री अगर कंपनी पैसा एक्सेप्ट कर रहा है किसी बाहर वाले से पब्लिक से तो उसको बोलेंगे 76. क्या बोलेंगे 76. तो आपने देखा दो तरह के डिपॉजिटर हो सकते हैं कंपनी में एक तो कंपनी का ही मेंबर या फिर दूसरा पब्लिक ठीक है आगे चलते हैं अब चलोग यहाँ पे मीनिंग दिया है एलिजिबल कंपनी का आपको पता है फ्रेंड्स ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इस चैप्टर का ये जो डिपॉजिट्स का टॉपिक अपना चल रहा है वो किस किस पर एप्लीकेबल है तो ये सारे रूल्स एप्लीकेबल है ऑन एलिजिबल कंपनी नॉट एलिजिबल कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी ये तीनों पर एप्लीकेबल है वापस आई रिपीट एलिजिबल कंपनी नॉट एलिजिबल कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी अब सवाल यह है ये एलिजिबल कंपनी क्या होता है तो बच्चा लोग एलिजिबल कंपनी एक ऐसा कंपनी है याद रखना एलिजिबल कंपनी एक ऐसा कंपनी है पहली बात तो ये पब्लिक कंपनी होती है ओके ओनली पब्लिक कंपनी इज अ एलिजिबल कंपनी ठीक है तो इट इज अ पब्लिक कंपनी इट मीनस अ पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ इज हंड्रेड सीआर और मोर उसका नेटवर्थ कितना है हंड्रेड सीआर और मोर और टर्न ओवर इज फाइव हंड्रेड सीआर और मोर तो दिस और दिस दोनों में से अगर एक भी सेटिसफाई हो जाएगा तो तुम्हारी पब्लिक कंपनी को हम क्या मानेंगे एलिजिबल पब्लिक कंपनी मानेंगे इजी है तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड और एक बात याद रखना सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी ही क्या कर सकता है पब्लिक से डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा एक्सेप्ट कर सकता है और कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता ठीक है यस तो आप देख रहे हो ये कंपनी वो कंपनी है जिसने ऑप्टेन किया है प्रायर अप्रूवल ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन एंड आल्सो फाइल्ड द रेजोल्यूशन विद आरओसी बिफोर मेकिंग एनी इनविटेशन टू द पब्लिक फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट ये रूल्स है आपको पता है कि कंपनी को पहले एस पास करना पड़ता है इफ दे आर एक्सेप्टिंग डिपोजिट फ्रॉम Public. However, eligible company which is accepting deposits within the लिमिट इसकी लिमिट भी है हम लोग करेंगे नीचे बात आएगी बट आपको यहां सिर्फ समझना क्या था आपको समझना था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिजिबल कंपनी ठीक है आगे चल सकते हैं प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक मैंने आपको बोला सारी कंपनीज जो है वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है तो कौन सी कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है आंसर इज ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी एलिजिबल पब्लिक कंपनी यस तो देखो यहां पे क्या लिखा है यहां पे ऐसा लिखा है नो कंपनी शाल इनवाइट एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट्स अंडर कंपनी फ्रॉम द पब्लिक एक्सेप्ट इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर फाइव ऑफ द एक्ट मतलब जो यहां पे बोला है यस yes, उसी के हिसाब से एक्सेप्टेंस होना चाहिए सिर्फ वही कंपनी एक्सेप्ट करनी चाहिए पैसा पब्लिक से जो एक्ट में लिखा है तो यहाँ पे ऐसा बोला लेकिन मैंने आपको बता दिया कि भाई सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी ही से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है बाकी कंपनीज नॉट अलाउड ओके आगे चलते हैं आपको पता है बच्चा लोग ऐसी भी कंपनीज होती है जिनका रोज का धंधा ही ये है क्या पैसा लेना पैसा देना ये जो मैंने अभी, अभी अभी आपको बोला कि यहाँ पे इस डिपॉजिट्स के पार्ट में कवर होते हैं सेक्शन 73 टू 76 करेक्ट एंड कंपनीज़ 2014 तो यहां पे कुछ कुछ ऐसी जिनका रोज का धंधा ही पैसा लेना पैसा देना है तो उसके ऊपर ये डिपॉजिट्स के रूल्स जो है वो अप्लाई नहीं होते हैं कौन कौन से है वो कंपनीज़ तो आप देख रहे हो एक तो है बैंकिंग कंपनी फिर आता है एनबीएफसी फिर आता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एंड सच अदर कंपनी एज सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया होगा तो ये चार कंपनीज़ आप देख रहे हो इनको क्या जरूरत नहीं है बच्चा लोग इनको डिपॉजिट्स के रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं ठीक है सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी ये सब रूल्स एप्लीकेबल इस पे नहीं होते हैं आगे डिपॉजिट्स को लेकर यहां पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं बच्चा लोग तो आप देख रहे हो टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स मैंने आपको बोला था कि जब भी कंपनी अपने मेंबर से ही पैसा एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट्स के नाम पे तो वहां पे अप्लाई होता है सेक्शन 73 एंड अगर कंपनी पैसा एक्सेप्ट कर रहा है अपने आउटसाइडर से मतलब किसी एनी पर्सन से तो फिर अपन फॉलो करेंगे सेक्शन नंबर 76 ओके लेट्स गो तो यहाँ पे तो पहले बात हो रही है मेंबर्स के बारे में तो कंपनी में कंपनी में बाय पासिंग रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग मतलब क्या बात हो रहा है कंपनी में बाय पासिंग आर जब खाली रेजोल्यूशन लिखा होता है तो अपन बात करते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के बारे में राइट right? यस yes. तो कंपनी कंसल्ट करके आरबीआई को अपने मेंबर से क्या कर सकता है एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एस पर द टर्म्स एंड कंडीशंस जो दिया है इंक्लूडिंग यू नो सिक्योरिटी रखना बिकॉज कंपनी क्या कर रहा है डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है पब्लिक पैसा किसको दे रहा है कंपनी को पैसा दे रहा है राइट right? तो पब्लिक बोलेगा ना भाई गारंटी क्या है गारंटी क्या है हमारा पैसा हमको वापस मिलेगा तो उसके लिए कंपनी क्या करता है उसके लिए सिक्योरिटी क्रिएट करके देता है चार्ज क्रिएट करके देता है राइट right? ताकि इन्वेस्टर सेफ फील करे ठीक है तो कैसे होता है ये सारी चीजें वॉट आर द स्टेप्स लेट्स सी नाउ एवरी वन सो बच्चा लोग स्टेप्स ऐसा है कि सबसे पहले कंपनी को क्या करना होता है एक सर्कुलर इशू करना होता है राइट right? तो पहला स्टेप है इशुएंस ऑफ सर्कुलर टू इट्स मेंबर्स राइट उसके अंदर स्टेटमेंट भी अपने को लिखना है भाई कंपनी का फाइनेंशियल क्या है तो फाइनेंशियल पोजिशन उसमें लिख दो कंपनी को कितना क्रेडिट रेटिंग मिला है वो भी लिख दो कंपनी के टोटल कितने डिपॉजिटर है अभी तक वो लिख दो कंपनी का कितना अमाउंट ड्यू है अभी तक जो पहले डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था कंपनी ने उसका कितना अमाउंट ड्यू है वो भी मैंशन करो एंड अदर डिटेल्स हवेवर ये जो सर्क्यूलर है इसका फॉर्मेट इधर दिया हुआ वेरी सिंपल तो पहली बात तो हो गई करो विध ऑल दिस डिटेल्स दूसरा ये जो सर्क्यूलर है इसका आपको कॉपी फाइल करना पड़ता है अलॉन्ग विद सेटमेंट विथ आर ओसी विद इन थर्टी डेज बिफोर द डेट ऑफ इशु ऑफ सर्क्यूलर वापस बोल रहा हूँ सर्कुलर आपने जो बनाया है वो आपको फाइल करना है रजिस्ट्रार के पास विद इन थर्टी डेज बिफोर द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्कुलर मतलब आप ये इशू करो अपने मेंबर्स को उसके पहले आपको आर के पास इसे भेजना पड़ता है फॉर रजिस्ट्रेशन ठीक है उसके बाद डिपॉजिटिंग ऑन और बिफोर थर्टियत ऑफ अप्रैल ईच ईयर मतलब कैसा आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ली उसके बाद हर साल ऑन और बिफोर तीस अप्रैल कंपनी को क्या करना पड़ता है

डिपॉजिट्स आपको समझा कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया है ये आपको वहां पे यू नो सर्टिफाई करना पड़ेगा पहले जो भी डिपोजिट एक्सेप्ट किए थे उसका इंटरेस्ट के साथ सब कुछ रीपेमेंट हो चुका है कंपनी डिफॉल्टिंग नहीं है एंड अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया भी था और वेर द डिफॉल्ट एज अ कर तो बच्चा लोग कंपनी हैज मेड द गुड डिफॉल्ट कंपनी ने डिफॉल्ट को ठीक कर दिया है एंड उसको पांच साल और ऊपर लैब्स हो चुके हैं जब से डिफ़ॉल्ट ठीक हो गया उसको ऊपर से और पाँच साल हो भी चुके हैं ऐसा आपको इधर स्पेसिफाई करना पड़ेगा आई होप सबको समझ में आ रहा है ये स्टेप्स क्या क्या है बहुत ही ईजी स्टेप्स है अगर समझना चाहो मॉड्यूल को तो मॉड्यूल की लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है घुस जाओ एक, एक वर्ड के अंदर अच्छे से समझो सब समझ में आ जाएगा आगे देखो अभी आप पब्लिक से पैसा रेस कर रहे हो डिपॉजिट्स के नाम पे तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा इधर चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा वो लोग बोलेंगे ना भाई गारंटी क्या है हमारा पैसा वापस आएगा गारंटी क्या है गारंटी क्या है तो इसीलिए यू नीड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी यस यू नीड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स और इट्स इंटरेस्ट राइट तो आपको चार्ज क्रिएट यहाँ पे करना पड़ेगा कंपनी के प्रॉपर्टी पे कंपनी के असेट्स पे समझ में आ गई बात तो आप देख रहे हो ये पांच पॉइंट आपको याद रखना सर्कुलर इशू करो सर्कुलर के कॉपी को फाइल करो आर के पास थर्टी डेज बिफोर द इशुंस ऑफ द सेम टू द मेंबर्स फिर आपको एवरी ईयर तीस अप्रैल के पहले या तीस अप्रैल को ट्वेंटी परसेंट ऑफ द डिपॉजिट कटिंग मेचोर्ड इन द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर यू हैव टू ट्रांसफर दिस इन द डीआर अकाउंट फिर आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा कि कंपनी हमारी डिफॉल्टिंग नहीं है पहले जो भी डिपॉजिट लिए थे वो सारे पेड़ अप कर दिया है किसी भी चीज का पैसा बाकी नहीं है और जो डिफॉल्ट किया भी था वो सब हमने ठीक कर दिया है और ठीक होने के बाद ऊपर से और पांच साल लैप्स हो चुके हैं फिर कंपनी हैज ऑल्सो क्रिएटेड सिक्योरिटी मतलब कंपनी हैज क्रिएटेड चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी और द असेट्स ऑफ द कंपनी अगर कंपनी इफ कंपनी डज नॉट क्रिएट सिक्योरिटी अगर कंपनी डिपॉजिट को सिक्योर नहीं करता है तो बच्चा लोग वो डिपॉजिट्स को हम क्या ट्रीटमेंट देंगे अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स का ट्रीटमेंट देंगे समझ में आ गई बात डन आगे चलते हैं बचा लोग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड मतलब क्या होता है इसका मतलब एक बार अगर कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया तो वट इज द मिनिमम पीरियड फॉर विच कंपनी हैव टू कीप द मनी विथ इट मतलब कंपनी को मिनिमम पीरियड क्या है डिपॉजिट्स का तो आप सबको पता है मिनिमम ड्यूरेशन इज सिक्स मंथ्स यस सिक्स मंथ्स के लिए मिनिमम कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है, वो है, 36 on, 6 कर सकता है और मैक्सिम थर्टी सिक्स लिए एक्सेप्ट कर सकता है ठीक है आगे कैन कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स आल्सो मतलब क्या कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए भी मतलब कैन कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लेस लेसो तो कंडीशन शॉर्ट टर्म चलेगा मतलब अगर लेस देन सिक्स मंथ हो भी रहा है तो चलेगा बट नॉट लेस थ्री मंथ्स प्लस कंपनी मैक्सिमम अमाउंट जो यहाँ पे नो you रेस know, कर सकता है दैट इज टेन परसेंट ऑफ द पेड शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑफ द कंपनी तो ये दो कंडीशन जो है ना फ्रेंड्स ये दो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी इफ कंपनी इज एक्सेप्टिंग डिपोजिट फॉर टर्म रिक्वायरमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी इजी है आगे देखो क्या बोला फ्रेंड्स क्या हम डिपॉजिट्स को ज्वाइंट नेम में एक्सेप्ट कर सकते हैं तो आंसर इज येस बट वो ज्वाइंट नेम्स जो है शुड नॉट एक्सीड थ्री मतलब मैक्सिमम तीन ज्वाइंट नेम्स हो सकते हैं उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं आगे एक्सेप्टेंस लिमिट्स क्या होगी डिपॉजिट्स के लिए क्या एक्सेप्टेंस लिमिट्स है तो बच्चा लोग इसी को यहां पे भी लिखा है और सेम चीज को यहां पे नीचे टेबल में भी एक्सप्लेन किया है अपन टेबल से समझते हैं इस चीज को ठीक है सबसे पहली बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमारा जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो किस किस पर एप्लीकेबल है तो वो एप्लीकेबल है एलिजिबल कंपनी पर नॉट एलिजिबल कंपनी पर और गवर्नमेंट कंपनी पर तीनों पर एप्लीकेबल है राइट एलिजिबल कंपनी पैसा किससे एक्सेप्ट कर सकता है तो वो दोनों से ही एक्सेप्ट कर सकता है मेंबर से भी और पब्लिक से भी टोटल लिमिट कितना है टोटल लिमिट है थर्टी फाइव परसेंट है रिपीट टोटल लिमिट कितना है थर्टी फाइव परसेंट का लिमिट है ओके okay? तो एलिजिबल कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपोजिट मैक्सिमम टेन परसेंट ऑफ द एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम एंड पब्लिक से कितना ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ऑल द थ्री कम एलिजिबल कंपनी

अगर कंपनी इज नॉट एलिजिबल कंपनी तो वो पब्लिक से तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता इट इज प्रोहिबिटेड अपने से एक्सेप्ट कर सकता है येस yes. कितना 35 परसेंट अगेन तो 35 परसेंट ऑफ ऑल द थ्री पेड शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी हो तो बच्चा लोग गवर्नमेंट कंपनी कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं पैसा तो अगेन सेम थर्टी एग्रीगेट ऑफ ऑल द थ्री फ्रॉम द पब्लिक तो बच्चा लोग आपने देखा ये हो गया आपका कौन कौन पैसा एक्सेप्ट कर सकता है किस से राइट सो दिस इज़ क्लियर टू एवरीबडी आगे अगर आप आग बात करो तो बच्चा लोग यहाँ पे ऐसा बोला है कि कुछ स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनीज है पब्लिक कंपनी के फॉर्म में हो या प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में हो आपको हमेशा पता है कि ये लोग को अलग से बहुत सारे रिलैक्सेशन मिलते हैं बहुत सारे रेगुलेशन में तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी इनको एग्जैम्पन दिया गया है एग्जैम्पन्स टू स्पेसिफाइड आई

उसका हमें डिटेल्स फाइल करना पड़ता है कंपनी शाल फाइल द डिटेल्स ऑफ द मनी एक्सेप्टेड टू आर इन फॉर्म नंबर डीपीटी थ्री फॉर्म नंबर डीपीटी थ्री सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी समझ में आ गई बात यस yes, तो ये एक पॉइंट हो गया दूसरी बात क्या बोला है बच्चा लोग स्पेसिफाइड आई एफ एस सी कंपनी कितना एक्सेप्ट कर सकता है हंड्रेड परसेंट क्योंकि आपने देखा यहां पे जनरली थर्टी फाइव परसेंट टोटल हो रहा था लेकिन इनके लिए हंड्रेड परसेंट की छूट दी गई है उसके बाद फ्रेंड्स अभी तक अपन ने जो लिमिट की बात की ना मैक्सिमम लिमिट इतना मैक्सिमम लिमिट उतना ये मैक्सिमम लिमिट का जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं है कुछ कुछ कंपनीज पर यस मैक्सिमम अमाउंट की रूल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द फॉलोइंग कंपनीज कौन कौन सी है वो सबसे पहले प्राइवेट कंपनी जो है कि है स्टार्टअप कंपनी फॉर टेन ईयर ये टेन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इन मैक्सिमम लिमिट रूल इज नॉट एप्लीकेबल कितना भी पैसा एक्सेप्ट करो चलता है फिर आता है प्राइवेट कंपनी कौन सी वाली वो प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट एसोसिएट और सब्सिडरी कंपनी फॉर ऑफ एनी अदर कंपनी प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट एन एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी ऑफ एनी अदर कंपनी बात समझ में आया फिर प्राइवेट कंपनी जिसका बोरोइंग्स जो है बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किसी दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट से इज विद इन द लिमिट इज वॉट बच्चा लोग विद इन द लिमिट वॉट इज द लिमिट लिमिट इज टू इन टू पेड शेयर कैपिटल कैपिटल और पचास करोड़ लिमिट है एंड दूसरा प्राइवेट कंपनी विच हैज नॉट मेड डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ बोरोप्टिंग डिपोजिट तो आप देख रहे हो ये सारी जो कंपनी है बचा लोग

आगे बच्चा लोग अगर कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट देता है नहीं क्या उनको इंटरेस्ट चाहिए हाँ। तो विल बी रेट बच्चा लोग तो इंटरेस्ट रेट एंड ब्रोकरेज दोनों की बात अपने को करनी है कितना इंटरेस्ट कंपनी पे कर सकता है इन्वेस्टर्स को फॉर एक्सेप्टिंग आंसर इस जो कंपनी इंटरेस्ट देगा वो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी कितना दे सकता है तो आंसर इज कंपनी कैन गिव द इंटरेस्ट और ब्रोकरेज दोनों की बात अपन कर रहे हैं इंटरेस्ट जो देगा या ब्रोकरेज जो चार्ज करेगा दैट शाल नॉट एक्सीड दैट शाल नॉट एक्सीड देखो नो लिखा है नो एक्सीड दैट शाल नॉट एक्सीड द रेट विच इज प्रिस्क्राइब बाय आर फॉर एनबीएफसी मतलब आरबीआई ने जो एन के लिए रेट डिसाइड करके रखा है यस yes, उससे ज्यादा आप इंटरेस्ट या ब्रोकरेज चार्ज नहीं कर सकते आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी बात समझ में आ गई सबको यस yes, तो दिस इज क्लियर आगे चलते हैं अब बच्चा लोग अभी कैसे होता है अभी आपको पता है कंपनी अगर पैसा एक्सेप्ट कर रहा है तो कंपनी पहले क्या करता है प्रोस्पेक्टस इशू करता है प्रोस्पेक्टस इशू करता है सर्कुलर इशू करता है किसी भी टाइप का एडवर्टीजमेंट डॉक्यूमेंट इशू करता है राइट तो सर्कुलर है एडवर्टीजमेंट डॉक्यूमेंट है तो अगर आपने ये एक बार इशू कर लिया एंड कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया क्या उसके बाद कंपनी इसमें डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया ये इशू कर लिया क्या उसके बाद कंपनी इसमें किसी भी तरह का अल्टरेशन कर सकता है टर्म्स एंड कंडीशंस में लाइक फॉर एग्जांपल कंपनी ने पहले बोला था कि हम देंगे एट परसेंट इंटरेस्ट डिपॉजिट्स पर तो इशू कर दिया प्रोस्पेक्टस पैसा आ भी गया अब कंपनी बोलते नहीं नहीं एट परसेंट नहीं हम देंगे सेवन परसेंट बोल चलेगा क्या तो आंसर इज नहीं चलेगा ऐसा वाला अल्टरेशन इज नॉट अलाउड समझ में आया कंपनी शाल नॉट रिजर्व इट सेल्फ इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली राइट टू अल्टर राइट समझ रहे कंपनी को ऐसा राइट नहीं मिलता है अल्टर करने का जो क्या हो डिसएडवांटेज हो ऑफ द दे डिपॉजिटर मतलब इन्वेस्टर्स को जो अगेंस्ट जाए उनके राइट को अफेक्ट करे

तो ये जो फाइलिंग है यहाँ पे कॉपी ऑफ रेटिंग शाल बी फाइल टू आर ओ सी अलॉन्ग विदीटी थ्री समझ में आया ये yes. तो ये रेटिंग जो है वो आपको स्पेसिफाई करना है ताकि लोगों को पता चले कि भाई आपने क्या किया है पहले डिफॉल्ट किया है नहीं किया है अगर रेटिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपको और भी इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगे आगे रूल्स क्या कहते हैं आगे रूल कहते हैं है, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में ऑब्वियसली कंपनी रीपे करेगा तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है हाउ टू रीपे द डिपॉजिट्स तो बहुत सिंपल सी बात है बहुत चलो कंपनी को डिपॉजिट जो एक्सेप्ट किए हैं उसे ऑब्वियसली रिपे करना पड़ेगा इंटरेस्ट विन अकॉर्डेंस एंड कंडीशन अग्रीमेंट आपको समझा जो इंटरेस्ट के साथ अपन ने नो जो डिपॉजिट अपने एक्सेप्ट किया उसे आपको रिटर्न करना पड़ेगा विथ क्या करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना पड़ेगा वट इफ कंपनी फेल्स टू रिपे द डिपॉजिट अगर कंपनी ने डिपॉजिट रिपे नहीं किया तो क्या होगा तो बचा लोग जो सफरिंग पार्टी है जो बेचारा डिपॉजिटर है जो इन्वेस्टर है वो कहां पे जा सकता है लड़ने के लिए वो जा सकता है ट्रिब्यूनल के पास फॉर एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द कंपनी टू पे द सम ड्यू राइट और फॉर एनी अदर लॉस और डेमेज इनकट बाय हिम एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन पेमेंट समझ में आई बात तो वो आप ट्रिब्यूनल के पास जाके लड़ सकते हैं फिर हमने बोला था याद है आपको डी आर आर करके ऐसा एक अमाउंट था यूटिलाइजेशन ऑफ डी आर आर यस yes, ये क्या है बच्चा लोग डी आर आर एक अकाउंट अपन ओपन करते हैं जिसमें एवरी ईयर 30 अप्रैल या उसके पहले याद है ना ऑन और बिफोर 30 अप्रैल क्या करना होता है कंपनी क्या करेगा उसको बच्चा लोग उसमें पैसा ट्रांसफर करेगा ये अकाउंट आप ओपन करते हो इन स्केड बैंक राइट एंड आप उसमें ट्रांसफर करते हो फिर आता है रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मतलब बात हो रही है सेक्शन सेवेंटी की राइट right? तो 73 तो हो गया 74 क्या कहता है तो बहुत सिंपल सी बात है भाई ये कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले अगर कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है एनी डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट ठीक है तो बच्चा लोग इन दैट केस देखना है आपको कि क्या कोई अमाउंट ड्यू है इंटरेस्ट ड्यू है क्या कोई अमाउंट पे करना बाकी है ये सब आपको देखना पड़ेगा एंड अगर ऐसा कुछ है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा कंपनी को विद इन अ पीरियड ऑफ थ्री मंथ्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और फ्रॉम द डेट ऑन सच पेमेंट्स आर ड्यू आपको इसका फाइलिंग करना है विद महीने के अंदर अंदर आपको यह फाइलिंग करना है आर ओ सी के पास कि भाई कितना अमाउंट है जो अनपेड है राइट right? एंड आपको इसे सून एज पॉसिबल रिपे करना पड़ेगा दैट इज दीपे विद इन अ पीरियड ऑफ थ्री इयर्स मैक्सिमम फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट राइट और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज अर्लियर मतलब मेचोरिटी पहले आ गई तो पहले दे दो या फिर मैक्सिम थ्री तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा राइट right? आगे कहा गया है पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू अलाउ द फर्दर टाइम टू रिपे द डिपॉजिट मतलब कैसा होता है अगर कोई कंपनी ट्रिब्यूनल के पास जाके अप्लाई करे इफ द एप्लीकेशन इज मेड बाय द कंपनी किसके पास ट्रिब्यूनल के पास राइट right? कि भाई देखो कंपनी ने बोला देखो कंपनी बोलती है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है बाबा हमको थोड़ा सा और टाइम दे दो तो क्या ट्रिब्यूनल आपको फर्दर टाइम दे सकता है तो yes. okay? तो आंसर इज यस ट्रिब्यूनल मे अलाउ फर्दर टाइम एज टू द डिपॉजिट ओके आगे बच्चे लोग आप देखते हो लायबिलिटी में अगर कंपनी ने पे नहीं किया तो यहाँ पे आपको पेनल्टी मिल जाती है ठीक है आगे फिर से लायबिलिटी अगर पे नहीं किया इन केस ऑफ फ्रॉड आपको पता है फ्रॉड में यू गेट द पेनल्टी अंडर सेक्शन 447 तो ये जो है वो पेनल्टी का आप पैसा एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको सिक्योरिटी तो पड़ेगा मतलब मैं किसका बात कर रहा हूं आपको चार्ज तो क्रिएट करके देना पड़ेगा कंपनी के असेट्स परस yes. लेकिन वो असेट कैसे होने चाहिए एक्सक्लूडिंग इनटेंजेबल ऑफ दलूडिंग इनटेंजेबल मतलब आप किस पर चार्ज क्रिएट करोगे सिर्फ और सिर्फ टेंजेबल ही क्रिएट करोगे सो आई होप दिस इज क्लियर टू राइट तो आप चार्ज क्रिएट करो एंड अगर आपने नहीं किया तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बचा लोग उस केस में अनसिक्योर डिपॉजिट कंसिडर होता है ठीक है अच्छा अगर यहाँ पे आप देख रहे हो सिक्योरिटी जो है वो किसके फेवर में क्रिएट होती है चार्ज जो है वो किसके फेवर में क्रिएट होता है तो ये क्रिएट होता है इन द फेवर ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी डिपॉजिट ट्रस्टी के फेवर में चार्ज क्रिएट किया जाता है ठीक है फिर आता है बच्चा लोग अपना नेक्स्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन नंबर 76 व्हिच इज द लास्ट सेक्शन फॉर दिस पार्ट तो आपको मैंने बोला था ना 73 टू 76 73 में अपन ने बात किया था एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स यहां पे बात हो रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक लेकिन आपको पता है सारी कंपनी तो एक्सेप्ट कर नहीं सकती पब्लिक से पैसा तो कौन सी कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है तो डिपॉजिट्स के मामले में हम लिस्टेड कंपनी नहीं बोल रहे हैं वी विल टॉक अबाउट एलिजिबल कंपनी यस ऑब्वियसली एलिजिबल कंपनी क्या है पब्लिक कंपनी है तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी आपको मैंने मीनिंग इसका बताया था कि भाई एलिजिबल कंपनी जिसका नेटवर्क कितना है 100 CR और मोर या टर्न ओवर कितना है फाइव हंड्रेड और मोर तो एलिजिबल कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है फ्रॉम द पर्सन अदर देन इट्स मेंबर्स बट आपको जो कंडीशंस है वो आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी ठीक है तो अगेन यहाँ पे भी सेम बोला है कि भाई आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग लेना पड़ेगा राइट ऑल दिस थिंग्स प्रॉपरली टाइम से रीपे करना पड़ेगा तो ये सेम बातें यहाँ पे वो लोग ने फिर से आपको बोली है चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा अपने असेट्स पर विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स राइट तो सेम थिंग यहाँ पे बोली है फिर आता है पनिशमेंट पनिशमेंट अंडर सेक्शन सेवेंटी सिक्स ए फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन सेवेंटी थ्री और सेवेंटी सिक्स सेवेंटी थ्री जो अपन ने बोला एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स 76 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक तो जो भी रूल्स अपन ने अभी तक बोले अगर वो फॉलो नहीं हुए तो आप देख रहे हो कंपनी की पेनल्टी यहां पे दी है कंपनी पे इतना पेनल्टी लगेगा एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर इतना पेनल्टी लगेगा एंड फ्रॉड किया तो सेक्शन फोर राइट तो दिस वॉज वेरी सिंपल थिंग आगे ट्रस्टी ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर्स क्या लगता है बच्चा लोग डिपॉजिटर्स का भी ट्रस्टी होता है

एंड कंपनी कैन अपॉइंट वन और मोर ट्रस्टी ऑल्सो कौन सा ट्रस्टी डिपोजिट ट्रस्टी कंपनी अपॉइंट कर सकता है करेक्ट येस yes. तो सर्कुलर इश्यू करने से पहले आप ये काम कर दो अच्छा आपने जिसको ट्रस्टी अपॉइंट किया है आप उसका अब रिटर्न कंसेंट भी ले लो रिटर्न कंसेंट किस चीज के लिए रिटर्न कंसेंट दू एक्ट एज अ ट्रस्टी फॉर सो डिपोजिटर्स ऐसे तो आपको कंसेंट लेना पड़ेगा दैट इज रेडी टू एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ द डिपॉजिटर्स ऑफ दंपनी इजी आपको पता है ये जो ट्रस्टी होता है इसका कंपनी के साथ में एक अग्रीमेंट होता है जिसको अपन कहते हैं डीपीटी टू द ट्रस्टी एंटर्स इंटू अट विपोजिट का ट्रस्ट डीड बना देता है इन फॉर्म डीपीटी टू एंड एटलीस्ट यह बन जाना चाहिए सेवन डेज बिफोर द इशुएंस ऑफ सर्क्यूलर ये सर्क्यूलर जो अपन इश्यू करते हैं उसके सात दिन पहले यह बन जाना चाहिए फिर यहां पे दिए बच्चा लोग कौन कौन पर्सन डिपॉजिट ट्रस्टी नहीं बन सकता और यू कैन से दिस आर द डिस्वालिफिकेशन ऑफ ट्रस्टी तो ऑब्वियसली बातें आप सोचो कि अगर मैं डिपॉजिट ट्रस्टी हूं मतलब मुझे कंपनी के डिपॉजिटर्स का ख्याल रखना है उनका इंटरेस्ट अफेक्ट ना हो जाए मुझे इस बात का ख्याल रखना है तो ऑब्वियसली आई शुड बी अ पर्सन हु इज हैविंग नो कनेक्शन विद द कंपनी तो इसलिए ये टॉपिक यहां पर दिया है कि अगर आप इनमें से कुछ भी हो तो आप डिपॉजिट ट्रस्टी नहीं बन सकते इनमें से अगर आप कुछ भी हो मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ डायरेक्टर इफ यू आर अ केएमपी, इफ यू आर एनी अदर ऑफिसर इफ यू आर एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी और कंपनी का होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी एसोसिएट कंपनी डिपॉजिटर इन द कंपनी अगर आप खुद डिपोजिटर हो कंपनी में तो आप डिपोजिट ट्रस्टी नहीं बन सकते क्योंकि आप सोचो ना अगर आप ये सब कुछ हो तो आप तो कंपनी का ही साइड लेके बात करोगे ना इसके लिए नॉर यू शुड है कंपनी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी सब्सिडरी कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी इनमें से किसी को भी लोन दिया हुआ नहीं होना चाहिए आपका कंपनी के साथ में पैक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए पैसों का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए राइट ही एनी गारंटी अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेथ राइट तो आपको किसी भी तरह का गारंटी का अग्रीमेंट नहीं करना है एंड यू शुड नॉट इवन बी रिलेटेड टू एनी पर्सन विच इज गिवन अंडर क्लॉज नंबर ए इनमें से किसी का भी आप रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए तो ये पॉइंट कर इंपॉर्टेंट चीज है।, yes, है, है, है मतलब इसका काम क्या है इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना करेक्ट तो यहां पे पता है क्या बोला फ्रेंड्स ये ट्रस्टी को अगर आप निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो क्या तो यहां पे क्या बोला है नो ट्रस्टी ऑफ द डिपॉजिटर्स शाल बी रिमूव एक्सपायरी ऑफ दिन अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो तो दिस कैन बी डन ओनली विथ द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट अ बोर्ड मीटिंग कुछ समझा मैंने क्या बोला यस yes, आपको रिमूव यहां पर ऑफिस से नहीं कर सकता कोई भी ट्रस्टी को कोई भी रिमूव नहीं कर सकता लेकिन एक्सेप्ट विथ द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट अ मीटिंग ऑफ बोर्ड इजी है यस yes, मतलब बोर्ड मीटिंग में सारे डायरेक्टर के कंसेंट से ये काम हो सकता है ठीक है एंड अगर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना अगर है तो एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए उस मीटिंग में बोर्ड मीटिंग में जहां पे ये डिसीजन लिया जा रहा है टू रिमूव अ डिपॉजिट ट्रस्टी क्योंकि आपने देखा ना वहां पर क्या बोला वी नीड टू टेक द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर उसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होना जरूरी है अगर कंपनी एक ऐसा कंपनी है, तो है।, का है? तो है ट्रस्टी ये सारे काम करेगा डिपॉजिटर्स के लिए लेकिन अगर इन शॉर्ट में आपको बोलू तो ये जो ट्रस्टी है इसका काम क्या है इसका काम है टू तो इंश्योर टू तो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स टू तो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स राइट तो ये सारा काम इसका इन जनरल बोला गया है देन आता है हु विल बी द डिपॉजिटर बच्चा लोग मीनिंग ऑफ डिपॉजिटर तो आपको जैसा मैंने बोला डिपॉजिटर हो सकता है कंपनी का ही मेंबर या हो सकता है एनी पर्सन आल्सो मतलब आउटसाइडर आल्सो ठीक है सो so, ये तो ठीक है अभी बच्चा लोग इधर पता है क्या बोला है मीटिंग ऑफ डिपॉजिटर बोला है देखो अपन ने डिपॉजिटर का मीनिंग आपको मैंने बताया अभी मीटिंग ऑफ डिपॉजिटर क्या मीनिंग है डिपॉजिटर का

डिपॉजिटर्स इन वैल्यू वैल्यू के हिसाब से आपको देखना है, one tenth amount जो होता है उसके डिपोजिटर्स ने उतने अमाउंट के इन्वेस्टर्स ने क्या किया है यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है तो डिपोजिटर का जो ट्रस्टी होगा वो बुलाएगा ठीक है एंड दूसरा है ट्रस्टी विल कॉल द मीटिंग ऑन है डिफॉल्ट और विच ओपिनियन ऑफ ट्रस्टी फॉर द डिपॉजिटर्स अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स मतलब कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से हमारे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट अफेक्ट हो गया है तो ट्रस्टी क्या करेंगे depositors की meeting बुलाएंगे. तो दैट इज ऑल्सो द पॉइंट फिर फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिट यहां पर ऐसा बोला गया है बच्चा लोग कि कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगी कंपनी डिपॉजिट को रिन्यू नहीं करेगी चाहे सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो नहीं करेगी अनलेस इन्वेस्टर क्या करे कंपनी को एक एप्लीकेशन दे यस यू हैव टू टू गिव एन एप्लीकेशन द कंपनी जब तक आप एप्लीकेशन नहीं दोगे कंपनी क्या नहीं कर सकता डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है ठीक है yes, यस अभी ये जो एप्लीकेशन आप दोगे इट शैल कंटेन द डेक्लेशन उसमें आपको लिख कर देना है कि मैं जो इंटेंडिंग डिपॉजिटर हूं मतलब मैं डिपॉजिटर बनना चाहता हूं आपकी कंपनी का इसमें जो मैंने पैसे आपको दिए हैं वो पैसा नॉट मेड आउट ऑफ एनी मनी बोरोड बाई हिम फ्रॉम एनी अदर पर्सन मतलब मैंने वो पैसा जो दिया है डिपॉजिट्स के लिए वो पैसा मेरा ही है और मैंने किसी से बोरो नहीं किया है तो ऐसा आपको लिख कर वहां पर देना है ठीक है फिर आता है पावर टू नॉमिनेट आप समझते हो मैं अगर इन्वेस्टर हूं मैं अगर डिपॉजिटर हूं तो मेरा अच्छा खासा अमाउंट कंपनी में इन्वेस्टेड है लेकिन अगर मैं मर गया तो, तो क्या होगा तो बच्चा लोग यहां पे भी यू हैव टू अपॉइंट अ नॉमिनी आप क्या करोगे हर एक डिपॉजिटर एक नॉमिनी अपॉइंट करेगा किसी पर्सन को नॉमिनी बना देगा एंड इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ यस तो वो पर्सन जो है यहां पे उसको पैसा मिल जाएगा डिपॉजिट का तो ये बात हो गई अपनी नॉमिनेशन की उसके बाद बच्चा लोग जब भी कोई पर्सन कंपनी को डिपॉजिट्स के नाम पे पैसा देता है या फिर जब भी कंपनी डिपॉजिट्स के नाम पे पैसा एक्सेप्ट करता है तो ऑब्वियसली पैसा देने वाला क्या बोलेगा ए रिसीट दे ए चिट्ठी दे बोलेगा कि नहीं यस yes. इसलिए बोला है हर एक कंपनी को फर्निश करना पड़ेगा मतलब एवरी कंपनी शाल ऑन एक्सेप्टेंस और रिनीश टू द डिपॉजिटर और एजेंट रिसीट फॉर द अमाउंट रिसीव बाई द कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ ट्वेंटी वन डेज फ्रॉम द रिस के अंदर अंदर कंपनी क्या दे देगा आपको रिसीट दे देगा उस रिसीट को अपन क्या बोलेंगे डी आर हम उसके बोलेंगे बात समझ में आया यस yes. वो जो रिसीट आपको मिल रही है बच्चा लोग रिसीट जो आपको मिल रही है दैट शाल बी साइंट बाय द ऑफिसर ऑफ कंपनी राइट ड्यूली ऑथोराइज बाय बोर्ड तो ऑफिसर ड्यूली ऑथोराइज बाय बोर्ड ठीक है उसके अंदर लिखा होगा डेट ऑफ डिपॉजिट, नेम एंड एड्रेस ऑफ डिपॉजिटर, अमाउंट कितना रिसीव किया है कंपनी ने डिपॉजिट्स के नाम पे, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी पे करेगा डिपॉजिट्स पे तो ये सारी बातें है ना फ्रेंड्स वहां पे लिखी होगी ठीक है सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी आगे आगे बोला है मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड असैस एंड क्रिएशन ऑफ डी आर आर आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस कि कंपनी को ऑन और बिफोर तीस अप्रैल हर साल कंपनी को क्या करना पड़ता है एक अलग से अकाउंट ओपन करना पड़ता है स्केडूल्ड बैंक में अकाउंट का नाम है डी आर आर राइट एंड वहां पर पैसा आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा तो सेम इधर भी बोला है कितना आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा तो ट्वेंटी परसेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपोजिट गड इन द फाइनेंशियल ईयर तो ये बात भी हो गई राइट right? फिर नेक्स्ट आता है रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट भाई जो भी कंपनी उसका रजिस्टर करेगा ना ये तो हाँ तो राइट वन और मोर रिन्यूड तो ये सारी डिटेल्स जो है वो डिपॉजिटर्स की कंपनी अपने पास संभाल के रखता है ये जो एंट्री होती है रजिस्टर में ठीक है ये एंट्री सात दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए सात दिन कब से जैसे वो कंपनी ने रिसीट इशू किया याद ना ट्वेंटी जो एंट्री है आप समझ रहे हो यस वो हो जानी चाहिए रजिस्टर के अंदर वो एंट्री को ऑथेंटिकेट कौन करेगा ऑथेंटिकेटेड बाय डायरेक्टर सेक्रेटरी ऑफ कंपनी और बाय एनी अदर ऑफिसर ऑथोराइज बाय बोर्ड फॉर दिस पर्पस उफ अब ये जो रजिस्टर डिपॉजिट रे का वो कितने टाइम के लिए प्रिजर्व किया जाता है सो दिस इज प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ एट ईयर्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर इन विच द लास्ट एंट्री वॉज मेड इन द रजिस्टर ठीक है तो आठ साल के लिए ये प्रिजर्व किया जाता है डॉक्टर राइट तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी फिर आता है प्री मेच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट प्री मेच्योर रीपेमेंट मतलब आपको कंपनी पैसा पे करेगा on your request and it is before the expiry of your duration of deposit. अभी तक deposits का जो duration है वो खत्म नहीं हुआ फिर भी आप time से पहले company आपको पैसा देने को तैयार है तो क्या ऐसा करना allowed है क्या time से पहले पैसा लेना allowed है तो answer is yes, लेकिन यहाँ पे भी conditions है क्या conditions है सबसे पहले time से पहले आप पैसा ले रहे हो correct? लेकिन कंपनी ने समझो पैसा आपने जैसे कंपनी को दिया

That इंटरेस्ट विल बी एग्रीड रेट माइनस वन परसेंट मतलब एक परसेंट डिडक्ट करके आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा राइट तो दिस इज द ओनली योर मेच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। उसके बाद आता है बच्चा लोग हर एक कंपनी एवरी कंपनी टू विच दिस रूल्स अप्लाई ऑन और बिफोर तीस जून ऑफ एवरी ईयर ऑन और बिफोर तीस जून ऑफ एवरी ईयर कंपनी को आर ओसी के पास एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है डीपीटी थ्री पहले भी आया है डीपीटी थ्री राइट कंपनी को फाइल करना पड़ेगा राइट right? आर के पास राइट right? तो ये सब फाइल कर देना आपको हिसाब किताब देना है बेसिकली कब तक देना है ऑन और बिफोर तीस जून कभी के लिए अरे वो जो फाइनेंशियल खत्म हुआ ना उसका डिटेल्स आपको देना पड़ेगा ऑन और बिफोर तीस जून एवरी ईयर क्लियर है फिर आता है डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट

एंड क्लेम्ड बट रिमेनिंग अनपेड ठीक है तो यहां पर बोला है अठारह टका यस एटीन परसेंट का यहां पर पे पेनल्टी आप पे लग जाएगा फिर आता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसाइड द सर्टन क्वेश्चन मतलब क्या होता है इसका मतलब अगर समझो कहीं पे एक्ट में कुछ कन्फ्यूजन है मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई ये ऐसा हुआ तो क्या करेंगे वैसा हुआ तो क्या करेंगे तो यह सारे कन्फ्यूजन को दूर करने का पावर किसके पास है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर ठीक है सो है? So, ये बात हो गई फिर ये एप्लीकेबिलिटी एंड देन यू कैन सी द पनिशमेंट राइट एंड डिस्क्लोजर इन द बोर्ड रिपोर्ट एंड इसी के साथ आपका डिपॉजिट्स वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है स्पेसिफिन आ चुका है तो डिपॉजिट्स वाला पार्ट जो है वो यहां पे खत्म होता है बट एज यू नो इस चैप्टर में और एक पार्ट है दैट इज डिबेंचर्स का पार्ट तो लेट्स सी पार्ट वन क्या कहता है इस चैप्टर का सो so, बच्चा लोग अपना जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज डिबेंचर्स जिसमें अपन बात करते हैं बोरिंग्स के बारे में एज यू नो अभी बोरिंग्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पहले बेसिक दिया है लोन क्या होता है लोन और डेट में क्या फ़र्क होता है राइट ऑल दिस बेसिक्स आर गिवन ईयर एंड अपना जो यहाँ पे सेक्शन 179 और 180 को रेफरेंस किया हुआ है आपको पता है वट इज़ वन सेवेंटी नाइन पावर्स ऑफ बोर्ड राइट वहाँ पे भी बोरिंग्स के बारे में बात करते हैं कि भाई कंपनी बोर्ड जो है वो पावर बोर्ड के पास पावर है बोरिंग्स करने का विद इन द लिमिट दैट इज जस्ट बाई पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन टू मेक बोरिंग्स फॉर द कंपनी राइट बट कंपनी कैन नॉट बोरो बियॉन्ड बोर्ड जो है वो बोरोइंग नहीं कर सकता कंपनी के नाम पे बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट तो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ बोर्ड में आता है सेक्शन वन एट जीरो एनीवेज हम ये दोनों सेक्शंस रिवाइज तो करते ही हैं कहाँ पे डायरेक्टर्स वाले पार्ट में राइट right? तो यहाँ पे उसको भी रेफरेंस दिया गया है ना फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो टॉपिक शुरू होता है बोरोइंग्स का यहाँ पे आपको पता है दो चीज़ें हैं एक तो है अल्ट्रा वायरस बोरोइंग एंड दूसरा है इंट्रा वायरस एंट्रावायरस यस अल्ट्रा वायरस बोरोइंग एंड इंट्रा वायरस बोरोइंग बचा लोग व्हाट इज अल्ट्रा वायरस बोरिंग पहले दे आर टॉकिंग अबाउट अल्ट्रा वायरस बोरइंग दैट इज जब भी कंपनी बोरोइंग करेगा बियॉन्ड द स्कोप बियॉन्ड द अथॉरिटी बियॉन्ड द पावर तो बच्चा लोग इट इज कॉल्ड एज अल्ट्रा वायरस एंड ओबली बात है अल्ट्रा वायरस बोरोइंग करोगे तो वैलिड होगा क्या नहीं इट विल बी कंसिडर्ड एज वॉइड ये बातें हमने पहले भी पढ़ी है डॉक्टर ऑफ अल्ट्रा वायरस में जहाँ पे अपन केस लॉ भी डिस्कस करते हैं राइट right? ये देखो ये वाला केस अपन ने पहले भी किया है एशबेरी रेलवे कैरियज एंड आई कंपनी वर्सेस रिची तो ये बहुत ही बेसिक है राइट right? अभी फ्रेंड्स अगर आपने वायरस बोरिंग कर ली तो ऑब्वियसली बात है वो बोरिंग क्या होती है वॉयड इनिशियो होती है राइट यस देन वी टॉक अबाउट एस्टोपल हियर वी डिमांड इंजंक्शन ऑर्डर अगर कंपनी ने क्या कर लिया है पैसा ले लिया है बियॉन्ड द पावर तो जो इन्वेस्टर्स है वॉट वो लोग क्या डिमांड कर सकते हैं दे कैन गो एंड अप्लाई टू ट्रिब्यूनल एंड दे कैन डिमांड इंजंक्शन यस बचा लोग इंजंक्शन मतलब वॉट दे वॉन्ट दे वॉन्ट कंपनी वो लोग चाहते हैं कोर्ट में जाके डिमांड करें इंजंक्शन ऑर्डर मतलब कोर्ट विल गिव ऑर्डर टू कंपनी नॉट टू यूज दैट मनी जो आपने बोरो किया है बियॉन्ड द अथॉरिटी राइट एज यू नो इंजेंशन का मतलब टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग देन शन पावर सर वॉट इफ अगर कंपनी ने वो पैसा ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया होगा तो तो अगर कंपनी ने ऑलरेडी वो पैसा इस्तेमाल कर लिया होगा तो अब ये इन्वेस्टर्स को क्या पावर्स मिल जाएंगे ये लोग को पावर्स मिल जाएंगे कौन से वाले अनसिक्योर्ड इन्वेस्टर्स के पावर इनको मिल जाएंगे सो so, वो पावर्स मिलना उसको अपन यहाँ पे सब्रोगेशन कहते हैं अच्छा ये इन्वेस्टर्स किसको स्यू कर सकते हैं दे कैन स्यू द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी बिकॉज ये जो भी एक्टिविटी हुई है वो बियॉन्ड द पावर हुई है किसने की है डायरेक्टर्स ने की है राइट right? तो वो लोग उसको सू भी कर सकते हैं येस यू द डायरेक्टर्स तो ये सारे कॉन्सिक्वेंस है राइट देन वेन वी टॉक अबाउट इंट्रावायरस बोरोइंग वट इज इंट्रावायरस बोरोइंग बचा लोग विद इन द स्कोप राइट तो यहाँ पे अपन बोलते हैं अगर कंपनी विद इन द स्कोप मतलब विद इन द अथॉरिटी काम करेगा तो दैट बोरोइंग इज एब्सोल्यूटली वैलिड राइट यस तो इंट्रावायरस right? yes, तो बोरिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप देख रहे हो यहां पे क्या बोला है यहां पे बोला है इट इज इंट्रावायरस बोरोइंग बट आउटसाइड द स्कोप ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी सर ये क्या होता है मतलब जो बोरोइंग की है अल्ट्रा वायरस टू डायरेक्टर्स अथॉरिटी अल्ट्रा वायरस टू डायरेक्टर्स अथॉरिटी मतलब इसने अपने पावर के बियॉन्ड जाके काम किया है करेक्ट तो बच्चा लोग इसने जो भी काम किया वो बियॉन्ड द पावर तो है लेकिन क्या ये बोरिंग करने के लिए एम ओ ए ने मना किया है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर डायरेक्टर्स ने डिंचर इशू कर दिया और बोरिंग कर लिया राइट तो लेकिन डायरेक्टर का जो अपने कंपनी के रूल्स हैं ए ओ ए है उसमें मना किया था कि डायरेक्टर्स हैव हाँ नो अथॉरिटी टू तो इशू डिवेंचर्स लेकिन फिर भी अगर कर दिया तो बच्चा लोग कंपनी के एम ओ ए में ये बात अलाउड है कि रेस्ट्रिक्टेड है तो आंसर इस ये जो एक्टिविटी हुई है दैट इज इंट्रावाइरस टू एम इट एट इज इंट्रावायरस टू एम एंड अल्ट्रावायरस टू अथॉरिटी तो क्या हो सकता है बच्चा लोग तो इन सच केस क्या ये एक्टिविटी रैटिफाई हो सकती है तो बच्चा लोग दिस एक्टिविटी कैन बी रेटिफाइड ये एक्टिविटी को हम अप्रूव कर सकते हैं बिकॉज हम क्या कर देंगे ये जो रूल्स हैं एओ ए जो है हम इसको अल्टर कर देंगे सर क्या एओ ए इस तरीके से अल्टर होता है हा होता है सर काम करने के बाद अल्टर होता है हा बिकॉज एओ ए कैन बी अल्टर्ड विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑल्सो तो आप क्या कर सकते हो इसको रेटिफाई करके ट्रांजेक्शन को रेटिफाई करके इसको अपन वैलिड कर देंगे राइट तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी तो इंट्रावायरस बोरोइंग एंड अल्ट्रावायरस बोरोइंग अभी फ्रेंड्स यहां पे टाइप्स ऑफ बोरिंग देखा है शॉर्ट टर्म बोरइंग लॉन्ग टर्म बोरिंग मीडियम टर्म बोरिंग ये जस्ट आप अच्छे से इसको एक रीड कर सकते हैं राइट right? ये सबका मीनिंग सिक्योर्ड बोरोइंग राइट बहुत ही बेसिक्स है पहले भी हुई है बात आगे अब अपना देखो टॉपिक शुरू होता है यहां से डिबेंचर्स यस डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स जो अपना मेन टॉपिक है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिबेंचर बच्चा लोग तो यहाँ पे डिबेंचर वर्ड कहाँ से आया एंड ऑल दिस इंट्रोडक्शन इज गिवन डेफिनेशंस आर गिवन यर राइट तो यहां पे आप देख रहे हो डेफिनेशन दे हैव गिवन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज राइट ये सब चीज है अभी अपना जो इसका है, 71 एक ही होता है, का 71. का दिया है सेक्शन टू क्लास थर्टी में तो यहाँ पे क्या बोला डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट विच एविडेंस राइट वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द अट्स ऑफ कंपनी और नॉट मतलब चाहे चार्ज क्रिएट किया हो या ना किया हो समझ रहे हैं ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो डेट शो करे उसको अपन डिवेंचर बोलेंगे प्रोवाइडेड दो चीजों को एक्सक्लूड भी किया है वट इज दैट द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर रेफर्ड इन चैप्टर थ्री डी ऑफ आर बी आई एक्ट एंड सच अदर इंस्ट्रूमेंट एज प्रिस्क्राइब बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आर बी आई शाल नॉट बी ट्रीटेड एज डबेंचर्स तो याद रखना ये दो चीज़ को डिवेंचर हम ट्रीट नहीं करेंगे बाकी एनी इंस्ट्रूमेंट एनी अदर इंस्ट्रूमेंट विच एविडेंस अ डेट इज अ डिवेंचर ठीक है डन आगे चलता है तो बच्चा लोग यहाँ पे डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स के ऊपर शुरू हुआ है कथा एंड आपका जो मेन चीज़ है देखो डिवेंचर्स और बॉन्ड्स में क्या फर्क है राइट वट इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू ये बचपन में पढ़ते हैं अपन इलेवेंथ ट्वेल्थ से तो अगेन टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स सिक्योर्ड डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कन्वर्टेबल आपको पता है ये सब क्या है वेरी बेसिक सिक्योर्ड डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स रिडीमेबल इन रिडिमेबल राइट यस तो बचा लोग यहां से आपका सेक्शन सेवेंटी वन शुरू होता है विच इज द मेन बॉडी ऑफ दिस चैप्टर का पार्ट राइट तो इशू एंड रिडेम्शन ऑफ डेट सिक्योरिटीज तो बच्चा लोग सबसे पहले यहां पे बात हो रहा है कि अगर कंपनी को इशू करने है डिबेंचर्स विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर्स इन इक्विटी शेयर्स मतलब पे अपन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को इशू करने की बात कर रहे हैं तो ऐसा डिबेंचर्स कंपनी इशू कर सकता है क्या करके बाई पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग राइट क्या डिबेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं तो आंसर इज नो बच्चा लोग डिबेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं ठीक है थीके? आगे बचा लोग यहां पे ऐसा बोला है ये जो रिडेमशन क्लॉज है द डेट ऑफ रिडेमशन ऑफ सिक्योर्ड डिचर्स नॉट एक्सीड टेन मतलब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले किसके बारे में अभी सिक्योर्ड डिबेंचर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स कंपनी इशू कर सकता है आफ्टर फॉलोइंग द सर्टन कंडीशन तो कंडीशन नंबर वन वट इज द कंडीशन नंबर वन आप सिक्योर्ड डिबेंचर इशू करो बट नॉट फॉर मोर देन 10 years. आपको पता है, का है. तो पैसा करेगा, लेकिन दस साल के अंदर रिटर्न -अंदर करना पड़ेगा बट मोर देन थर्टी नहीं चलेगा हो ना मोर देन थर्टी ईयर्स चलेगा कौन से केस में चलेगा ज फॉर द कंपनीज विच आर एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस वाली कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड वाली एनबीएफ और ये सारी जो कंपनी परमिट की गई है वो सब कंपनीज तो जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी में बेसिकली इन्वॉल्व है दे कैन इश्यू सिक्योर्ड डिपेंचेस फॉर मोर देन टेन ईयर्स ऑल्सो बट नॉट मोर देन थर्टी ईयर्स जनरली कितना है बचा लो जनरली तो टेन ईयर्स ही है समझ में आया इफ यू गो बियॉन्ड टेन ईयर्स बट नॉट मोर दे बट दिवॉल पढ़ा था डिपोजिट ट्रस्टी वैसे ही यहां पर हम लोग अपॉइंट करते हैं डिबेंचर ट्रस्टी यस वहां पर अपन करते डिपोजिट ट्रस्ट डीड आपको याद है डीपीटी टू वैसे यहां पर आता है डिबेंचर ट्रस्ट डीड ओके

बिफोर इशू ऑफ ये सब अपॉइंट तो कर दोगे इसको आगे क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी अच्छा इन, इनका भी डीड बनता है डिपेंचर ट्रस्ट डीड इनका भी बनता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स ठीक है अब यहां पे कब बनेगा ये तो यहां पे बोला है नॉट लेटर देन सिक्सटी डेज आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर नॉट लेटर देन मतलब वी कैन से सिक्सटी डेज विद इन सिक्सटी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ठीक है तो आपको समझ में आ गई बात अपन ने क्या क्या बोला सेवेंटी वन से अपना मेन कथा यहाँ पे शुरू होती है सबसे पहले वी स्पोक अबाउट कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करना है तो एस पास करो करेक्ट इनके वोटिंग राइट्स होते नहीं है सिक्योर्ड डिबेंचर इशू करना है तो सबसे पहले वी स्पोक अबाउट द ड्यूरेशन राइट एंड यस थर्टी ईयर्स तक भी जा सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए ठीक है आगे बात हो रही है क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी के बारे में जैसे आपको पता है डिपॉजिट्स में अपन ने बोला था क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी वैसे यहां पे भी है क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी मतलब यहां पे भी चार्ज क्रिएट किया जाता है ये देखो बिकॉज़ आपको पता है ना सिक्योर्ड डिबेंचर है मतलब आपको यहाँ पे चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा किस पे ऑन द प्रॉपर्टी और ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी राइट और ऑन द सब्सिडरीज होल्डिंग कंपनी एसोसिएट कंपनीज ये सब ऊपर आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी आप वैल्यू जो होगा जिस पे आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो मतलब जो प्रॉपर्टी आप गिरवी रख रहे हो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चा लोग वैल्यू सफिशिएंट होनी चाहिए सफिशियंट मतलब कितना तो दैट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी मोर देन और इक्वल टू द रीपेमेंट अमाउंट विथ इंटरेस्ट तो दैट इज क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी ठीक है आगे बच्चा लोग अगर कोई एनबीएफसी इश्यू कर रहा है डिबेंचर्स क्या इश्यू कर रहा है एनबीएफसी अगर इश्यू कर रहा है डिबेंचर्स तो बच्चा लोग उस केस में चार्ज पता है किस पे क्रिएट होगा उस केस में चार्ज क्रिएट किया जाएगा ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी कौन से प्रॉपर्टी पे मूवेबल प्रॉपर्टी पे जनरली चार्ज अपन क्रिएट करते हैं कोई भी प्रॉपर्टी पे बट यहां पे अगर एनबीएफसी है तो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी पे क्रिएट होगा एनबीएफसी रूल्स के हिसाब से आगे बचा लोग आपको पता है यहां पे चार्ज जो क्रिएट किया जाएगा वो किसके फेवर में क्रिएट किया जाएगा सेम लाइक डिपॉजिट ट्रस्टी वैसे यहां पे आएगा चार्ज और मॉर्गेज शाल बी ट्रीटेड इन द फेवर ऑफ डिपेंचर ट्रस्टी इजी है यस yes. उसके बाद यहां पे ऐसा भी बोला है कि चार्ज क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है कौन से केस में ये देखो द रिक्वायरमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ चार्ज अंडर द सब रूल शाल नॉट अप्लाई ओनली मतलब चार्ज क्रिएट करने की नीड ही नहीं है कब दैट इज इन केस द डिबेंचर्स आर इश्यूड बाय गवर्नमेंट कंपनी विच इज फुल्ली सिक्योर्ड बाय गारंटी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट और बोथ मतलब अगर डिबेंचर कौन इशू कर रहा है गवर्नमेंट कंपनी इशू कर रहा है एंड उसकी गारंटी आप समझ रहे हो डिबेंचर इशू करना मतलब लोन ले रहा है बोरोइंग ले रहा है कौन ले रहा है गवर्नमेंट कंपनी अच्छा उसकी गारंटी किसने दी है बच्चा लो गंटी इज बिंग गिवन बाय गवर्नमेंट एनी ऑफ द गवर्नमेंट तो उस केस में चार्ज क्रिएट नहीं किया तो भी चलेगा ठीक है उसके बाद बोला है कि बच्चा लोग अगर लोन लिया जा रहा है इफ लोन इज बिंग टेकन बाई सब्सिडरी कंपनी फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो चार्ज मॉर्गेज में ऑल्सो बी क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टीज और क्रिएटेडीज ऑफ द होल्डिंग कंपनी इजी है तो अगर सब्सिडरी कंपनी लोन ले रहा है बैंक से तो चार्ज क्रिएट हो सकता है ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग कंपनी ऑल्सो तो बहुत सिंपल है यहां पे क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी का फिर से मीनिंग दिया है वी नो ऑल दिस

फिर डी आर आर की बात हो रही है डिबेंचर रिडेमशन रिजर्व आपको याद है फ्रेंड्स अपन ने स्टार्टिंग में बोला था डिपॉजिट्स के पार्ट में डी आर आर डेट वॉज डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व यहाँ पे आता है डिबेंचर रिडेम्शन रिजर्व यस वॉट इज दिस डिबेंचर रिडेमशन रिजर्व हमने वहां पे बोला था कि कंपनी अपना 20% परसेंट ऑफ द डिपॉजिट गेटिंग मेच्योर्ड इन द फॉलोइंग ईयर कंपनी उसे ट्रांसफर करेगा इन अ सेपरेट अकाउंट इन ओपन न स्केड्यूल्ड बैंक है कि नहीं तो स्केड्यूल्ड बैंक में अकाउंट ओपन करके वो उधर ट्रांसफर कर देगा पैसा इन डी अकाउंट ऑन और बिफोर तीस अप्रैल इधर भी सेम है इधर खाली फर्क इतना है फिफ्टीन परसेंट अपन क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं सी आपको इधर मिल जाएगा दैट इज कितना हम लोग ट्रांसफर करते हैं फिफ्टीन ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स गेटिंग रीडिंग ये देखो ऑन और बिफोर तीस अप्रैल ईच ईयर ठीक है आप ये अमाउंट ट्रांसफर करोगे नॉट लेस देन फिफ्टीन परसेंट ऑफ द डिपॉजिट्स सॉरी द देंचर्स गेटिंग मेचोर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर तो यहां पे फिफ्टीन परसेंट है वहां पे ट्वेंटी परसेंट था हावेवर यहां पे यू कैन ऑल्सो सी कि कुछ कुछ केसेस में आपको डी आर आर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है ये देखो ये जो आप देख रहे हो ये लिस्ट ऑफ कंपनीज यहाँ पे दिया है एंड यहां पे आप देख रहे हो यहाँ पे डी आर आर कंडक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है तो यू कैन गो विद दिस टेबल ऑल्सो वंस बट इन जनरल येस यू नीड टू क्रिएट डी आर आर सेपरेट अकाउंट इनकेड बैंक जस्ट एज वी डिड इन डिपोजिट वाला पार्ट खाली यहां है बच्चा लोग वो अलग है कितना परसेंट है यहाँ पे फिफ्टीन परसेंट ओके यस नेक्स्ट इज वॉट बच्चा लोग नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ डी आर आर इन केस ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स तो अगेन सेम यहां पे आपको डी आर आर क्रिएट करना है नथिंग यूनिक फिर डिबेंचर ट्रस्टीज एंड उनका ट्रस्ट डीड यस जैसे डिपॉजिट ट्रस्टी बोला था वैसे यहां पे भी है राइट right? तो बच्चा लोग यहां पे देखो क्या बोला है नो कंपनी शाल इशू प्रोस्पेक्टस मेक ऑफर और इनविटेशन टू पब्लिक और टू इट्स मेंबर्स एक्सीडिंग 500 हंड्रेड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इज डिबेंचर अनलेस कंपनी हैज बिफोर द इशुअ ऑफ सच ऑफर ये अपॉइंटेड वन और मोर डिबेंचर ट्रस्टी मतलब आप बहुत सिंपल बात हो रही है यहां पर कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना कंपल्सरी है अगर कंपनी क्या कर रहा है पहली बात तो सिक्योर्ड डिबेंचर इशू कर रहा है आप देख रहे हो क्या लिखा है अगर कंपनी इज मेकिंग एन ऑफर टू पब्लिक और इट्स मेंबर्स पब्लिक को कर रहा है तो कंपल्सरी तो आपको करना ही पड़ेगा एंड इफ मेंबर्स को कर रहा है मेंबर्स कितने को एक्सीडिंग फाइव हंड्रेड

सर्कुलर सब में आपको यह स्पेसिफाई करना पड़ेगा वॉट आर दंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी और ट्रस्टीज तो बचा लोग यहां पर आप देखते हो अगेन डिवेंचर ट्रस्टी क्यों है बचा लोग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर्स राइट तो इसके भी कुछ डिस्कॉलीफिकेशन है जैसे डिपोजिट ट्रस्टी के डिस्कॉलिफिकेशन थे वैसे अगर इसमें से वो कुछ भी है तो वो ट्रस्टी नहीं बन सकता इसको आप क्या बोलोगे डिसक्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी तो आपको ये भी इधर मेंशन करना पड़ेगा ठीक है फिर आता है कैजुअल वैकेंसी एंड रिमूवल क्या आप डिबेंचर ट्रस्टी को रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी होती है क्या होता है तो बच्चा लोग जो वैकेंसी अगर होती है तो वैकेंसी को फिलअप कौन करेगा यहाँ पे बोर्ड में फिलअप एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ट्रस्टी बट वाइल एनी सच वैकेंसी कंटिन्यूज तो रिमेनिंग ट्रस्टी और ट्रस्टीज इफ एनी मे एक्ट प्रोवाइडेड सच वैकेंसी इज कॉज बाय रेजिग्नेशन ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी द वैकेंसी शैल बी फिल्ड अप विद द विदर्न कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स यहाँ पे दो चीजें हैं दिस एंड दिस यहां तक एंड नंबर टू यहां से लेके यहां तक जनरल बात यह हो रही है कि भाई बोर्ड फिलअप करेगा वैकेंसी किसकी वैकेंसी फिलअप करेगा वो ऑफिस ऑफ ट्रस्टी की वैकेंसी वो फिलअप करेगा कौन फिलअप करेगा बोर्ड फिलअप करेगा ठीक है कैसी वैकेंसी कैजुअल वैकेंसी आपने पढ़ा है कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर्स में भी सेक्शन 164 सब सेक्शन 4 फोर right? राइट तो फिलअप करेगा बोर्ड लेकिन अगर ट्रस्टी की ऑफिस खाली हो रही है बिकॉज ऑफ इस रेजिग्नेशन तो फिलअप किया जाएगा उसका वैकेंसी रिटर्न कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स मेजोरिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स के रिटर्न कंसेंट से अपॉइंटमेंट होगी ठीक है यस अच्छा लो क्या आप ट्रस्टी को निकाल सकते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफिस ड्यूरेशन ऑल्सो तो यहां पे बोला है डिबेंचर ट्रस्टी में भी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म लेकिन आपको पहले पूछना पड़ेगा किसको डिबेंचर होल्डर्स कोई नॉट लेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर आउटस्टैंडिंग एट देर मीटिंग आपको समझा मतलब वैल्यू वाइज यू है उतने अमाउंट का जो डिबेंचर होल्डर्स होल्ड कर रहे होंगे उतने लोग अगर रिक्वेस्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी के टोटल डिबेंचर होल्डर्स वैल्यू वाइज होल्ड कर रहे हैं एक करोड़ रुपया तो आपको एक करोड़ रुपया मतलब उन्होंने एक करोड़ का बोरिंग दिया है कंपनी को कंपनी को पैसा उन्होंने लोन के फॉर्म में दिया है तो एक करोड़ का थ्री फोर्थ निकाल के आप क्या करोगे यस एक करोड़ का थ्री फोर्थ निकाल के उतने होल्डिंग वाले डिबेंचर होल्डर्स अगर अप्रूवल देंगे तो आप इनको टाइम से पहले रिमूव कर सकते हैं फिर ड्यूटीज क्या क्या है डिबेंचर ट्रस्टी की तो बेसिक इफ यू रीड ऑल दिस पॉइंट्स बच्चा लोग तो आपको एक ही चीज समझ में आती है तो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स इसमें सब कुछ लिखा है कि भाई देखो कंपनी टाइम टाइम टू पैसा दे वो देखना है कंपनी का फाइनेंशियल पोजिशन चेक करते रहना है कंपनी डिफॉल्ट तो नहीं कर रहा है कंपनी ने जिस प्रॉपर्टी पे नो चार्ज क्रिएट किया है उस प्रॉपर्टी का वैल्यू सफिशिएंट तो है राइट right? कोई भी ऐसा काम तो नहीं हो रहा है विच इज इनकंसिस्टेंट कोई भी ऐसा काम तो नहीं हो रहा है विच इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स तो ये सारे ड्यूटीज हैं इनके अगर इसको पता चला कहीं से कि भाई कंपनी का जो प्रॉपर्टी है जिसमें चार्ज क्रिएट किया था अब उस प्रॉपर्टी का वैल्यू सफिशियंट नहीं रहा प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो गया है रीपेमेंट जो करना है कंपनी को उससे प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो चुका है तो क्या करेंगे तो बच्चा लोग इन दैट केस इट इज द ड्यूटी ऑफ डिमेंचर ट्रस्टी टू इन्फॉर्म टू एनसीआई तो वो इन्फॉर्म कर देगा करेक्ट फिर बच्चा लोग जैसे अपन ने बात किया था वहां पर डिपोजिटर्स की मीटिंग वैसे यहां पे आती है मीटिंग्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स अगेन सेम कौन बुलाएगा इनकी मीटिंग तो बच्चा लोग मीटिंग ऑफ ऑल द डिबेंचर होल्डर्स शाल बी कन्वेड बाय द डिबेंचर ट्रस्टी यस डिबेंचर ट्रस्टी इनकी मीटिंग बुलाएगा कब अगेन ऑन रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेजिशन इन राइटिंग साइंड बाय डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग एटलीस्ट वन टेंथ इन द वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ द टाइम बिंग आउटस्टैंडिंग मतलब अपने को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ट्रस्टी को तो वो मीटिंग बुला देगा कितने लोग रिक्वेस्ट करेंगे वैल्यू वाइज वन टेंथ वन टेंथ इन वैल्यू ऑफ द डिवेंचर रिक्वेस्ट करेंगे तो एंड दूसरा ऑन हैपनिंग ऑफ एनी एनी इवेंट कुछ भी ऐसा हुआ जो हमें ब्रीच शो कर रहा है डिफॉल्ट शो कर रहा है ट्रस्टी को लग रहा है कि डिबेंचर उल्डर्स का इंटरेस्ट अफेक्ट हो गया है तो ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हो दोनों दिस इज सिमिलर टू वॉट यू हैव डन इन योर डिपॉजिट्स वाला पार्ट उधर भी सेम चीज आपको दिखने मिल रही थी ठीक है फिर डिबेंचर ट्रस्ट डीड आई ऑलरेडी टोल्ड यू बच्चा लोग यहाँ पे ट्रस्ट डीड बनाते हैं राइट एंड यहाँ पे जो अग्रीमेंट अपन साइन होता है बिटवीन कंपनी एंड ट्रस्टी दैट इज कॉल्ड डिबेंचर ट्रस्ट डीड राइट right? तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट दिया है फॉर्म एस एच ट्वेल्व में यह बनता है बाकी आप अपने ऊपर इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा था राइट right? आगे इफ यू अपन ने बात किया नॉट लेटर ठीक है बच्चा ट्रस्ट में कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो डिबेंचर होल्डर्स के राइट को अफेक्ट करे ठीक है एक तो ये चीज दूसरा ये जो ट्रस्टी है डिबेंचर ट्रस्टी उसकी लाइबिलिटी क्या है क्या ट्रस्ट डीड में कोई भी ऐसा कंडीशन होना हो, होगा तो चलेगा विच इज अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स नहीं डिबेंचर होल्डर्स का राइट टू प्रोटेक्ट करना काम है ट्रस्टी का तो ट्रस्ट डीड में जो अग्रीमेंट हुआ है बिटवीन कंपनी एंड ट्रस्टी उसमें कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए विच इज अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रस्ट द डिबेंचर होल्डर्स समझ में आया एंड अगर ऐसी कोई आपने लिख भी दी कंडीशन तो सच कंडीशन शाल बी वॉइड वो कंडीशन वैलिड नहीं मानी जाएगी ठीक है और एक चीज क्या हम लायबिलिटी ट्रस्टी का खत्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं लायबिलिटी ऑफ ट्रस्टी कैन बी रिड्यूस्ड देखो ट्रस्टी की लायबिलिटी क्या है ट्रस्टी की जिम्मेदारी है कि डिबेंचर होल्डर्स को टाइम टू टाइम पैसा मिले करेक्ट तो क्या हम इसको हटा सकते हैं लायबिलिटी खत्म कर सकते हैं लायबिलिटी वेव ऑफ कर सकते हैं तो बच्चा लोग आंसर है आपको अगर ये करना है तो आपको अगेन पहले परमिशन लेना पड़ेगा किसका अरे बहुत सिंपल बात है ना आप लायबिलिटी हटा रहे हो किसका डिबेंचर ट्रस्टी का रिस्पॉन्सिबल पर्सन का तो दिस कैन बी डन ओनली बाय द मेजोरिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन थ्री फोर्थ इन द वैल्यू ऑफ टोटल डिबेंचर्स अगर ये लोग अगर अलाउ करे तो ठीक है अदरवाइज नहीं क्योंकि लॉ तो इनको बोल देगा ना भाई इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता बिकॉज तुम्हारा ही तो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ट्रस्टी को रखा है एंड तुम ही ऐसा कर रहे हो राइट एंड देन यू कैन सी द राइट टू इंस्पेक्ट कौन इंस्पेक्ट कर सकता है राइट right? ये सारे सिंपल सिंपल थिंग्स कुछ भी होगा तो कहाँ पे जा सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं अगर वैल्यू सफिशेंट नहीं आई टोल्ड यू अगर ट्रस्टी कम्स टू अ कंक्लूजन दैट असेट्स ऑफ द कंपनी आर नॉट सफिशेंट

कंपनी फेल्स टू पे द मेच्योरिटी अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट ऑन डिबेंचर वेन इट इज ड्यू समझ रहा है तो ये लोग क्या करेंगे एप्लीकेशन दे देंगे किसके पास ट्रिब्यूनल के पास कौन एप्लीकेशन देंगे डिबेंचर होल्डर्स विल गो एंड मेक द एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल राइट यस अभी ट्रिब्यूनल क्या करेगा ट्रिब्यूनल ऑन एप्लीकेशन राइट आफ्टर हियरिंग दार्टीज विल डायरेक्ट द ऑर्डर डायरेक्ट करेगा ऑर्डर पास करेगा द कंपनी टू रिडीम द डिवेंचर्स एंड मेक द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट समझ में आया ये yes, तो उसको बोल देगा भाई पे करो एंड उसके बाद भी अगर कंपनी पे नहीं करेगा तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी आ जाएगी राइट सो दट इज द पॉइंट एंड यहां पर आपका पार्ट वन इज ओवर पार्ट बी वी आर ऑलरेडी डन तो वी आर डन विथ चैप्टर बच्चा लोग डेड इंस्ट्रूमेंट्स एंड कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा राइट सो प्लीज आपका ये मॉड्यूल हो चुका है तो अच्छे से इसको रिवाइज करो चैप्टर को सेम डे पढ़ो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करो थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट